हेलो गाइस, मैं आज फिर आपके साथ में एक लाइव सेशन के साथ में उपस्थित हूँ गाइस। तो आप इस चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। और गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा लाइव सेशन होता है उसका फॉर्मेट होता है कि यदि मेरे वीडियो देख के भी आपको कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस लाइव सेशन के थ्रू मैं आपकी कोई भी क्वेरी को क्लियर करूँ। और गाइज, यदि आपका कोई भी और भी कोई क्वेश्चन हो सकता है तो वो भी पूछ सकते हैं, बट वो रिगार्डिंग टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी होना चाहिए। और गाइज, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अभी आज मैंने एक वीडियो अपलोड किया है तो वो कॉम्बर के प्रोडक्शन के बारे में है, मतलब जो कॉम्बे मशीन होती है उसका प्रोडक्शन कैसे निकालें। तो हमने उस वीडियो में बताया कि किसी भी कॉम्बर मशीन का प्रोडक्शन कैसे निकालें। तो मैंने तीन तरीके बताए हैं प्रोडक्शन निकालने के। तो एक में क्या होता है कि लैप हैंक दी हुई हो, एक में स्लाइवर हैंक दी हुई हो, और गाइस एक में यदि वेट पर मीटर दिया हो स्लाइवर का तो उसका हैंक कैसे निकालें वगैरह वगैरह मैंने बताया हुआ है। तो गाइस जरूर देखिए वो मेरा वीडियो, तो आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी। और अब आप सभी लोग सवाल पूछ सकते हैं, यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिए। और गाइज, मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट और करता हूँ हर बार कि यदि आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिससे क्या होगा कि मेरे जो आने वाले वीडियोज होते हैं या लाइव सेशन के नोटिफिकेशन होते हैं वो आप सभी तक पहुँचते रहते हैं। तो गाइज, आप सब्सक्राइब जरूर करते रहें और साइड में लगा बेल आइकन का बटन दबाते रहें। और गाइज, साथ साथ में आप अपने क्वेश्चन भी पूछते रहें। तो आपको क्या करना है कि अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में टाइप करना है और टाइप करके सेंड कर देना है। गाइज, जब आप सेंड करेंगे तो एक एक क्वेश्चन का मैं आंसर देता रहूंगा सीरियल वाइज। तो गाइज, अब आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। गाइज, आस्क योर क्वेश्चन। रॉयल आर्मी, हेलो, कैसे हैं? तो मिस्टर रॉयल, कोई सवाल हो तो पूछिए आप। रिगार्डिंग द टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा। और गाइज, आप सभी लोग मेरे वीडियोज भी देखते रहिए क्योंकि वीडियोज में मैंने बहुत सारी जो जानकारियां हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, उनको मैंने टच किया है। तो आप सभी लोग वो मेरे वीडियो जरूर देखिए जिससे कि आपको बहुत सारा एडवांटेज मिलेगा, आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ेगी। गाइज, तो सवाल पूछिए आप अपने और फटाफट लाइव शो से कनेक्ट होइए गाइस, जिससे कि जो लाइव सेशन है क्वेश्चन आंसर का आवर जो है वो मोमेंटम पकड़ सके। गाइस, कोई भी यदि आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इस लाइव सेशन में, तो मैं कोशिश करता हूं कि आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर मिले। गाइस, आस्क योर क्वेश्चन इफ यू हैव। और गाइस, जो फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते रहें। तो गाइज, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मिस्टर रॉयल आर्मी, यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और भी जो व्यूअर मेरे देख रहे हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस लाइव सेशन में पूछ लीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग द टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। मोहित कुमार जी, नमस्कार, क्या हाल है मोहित जी आपके? मोहित, आपका यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन जो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी होती है उसके रिगार्डिंग में होना चाहिए, तो आप अपना सवाल पूछिए यदि कोई है तो। गाइज, मैंने आप सभी लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, इतने वीडियो डाले हुए हैं, अभी तक मैं नियर अबाउट 150 वीडियोस डाल चुका हूँ, तो आपके बहुत काम आएंगे। गाइस, जब आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके लिए उसमें नॉलेज इतनी भरी हुई है कि आप फ्रेशर भी हैं ना, तो वो वीडियो देख के आप इतना नॉलेज गेन कर लेंगे कि एक एक्सपीरियंस बंदे की तरह आपका जो स्किल है वो हो जाएगा। तो गाइस, आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखेंगे तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। तो आप वीडियोस देखते रहिए। और गाइस, हर ऑल्टरनेट डे पे मैं लाइव सेशन में भी आता हूँ, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि गाइस आप इस लाइव सेशन में कनेक्ट होके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं गाइस। और बहुत से हमारे जो स्टूडेंट होते हैं टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के, तो
फ्रेशर भी होते हैं और जो लर्नर होते हैं, बिगनर होते हैं, तो उनके साथ में भारी प्रॉब्लम होती है टेक्सटाइल वालों के साथ में, क्योंकि टेक्सटाइल एक ऐसा सब्जेक्ट होता है तो उसमें एकदम से समझ में नहीं आता कुछ भी। जब इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ पर जो लेक्चर वगैरह होते हैं या जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं वो पढ़ाते तो हैं, बट उनके ऊपर कोर्स का या सिलेबस का इतना प्रेशर होता है कि वो फटाफट निपटाते जाते हैं, तो जो हमारे स्टूडेंट वगैरह होते हैं उनको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता है। तो गाइस आप मेरे जो वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, एक एक चीज समझ में आएगी, ABCD से लेके XYZ तक। तो आप मेरे वीडियोस देखिए और इसके बाद में भी आपकी कोई क्वारी हो तो आप इस लाइव सेशन में पूछिए मेरे से, तो मैं आपको बताऊंगा, आपकी क्वारी को क्लियर करूंगा। गाइस तो आपकी कोई भी क्वारी हो तो पूछ सकते हैं, मोहित जी यदि आपको कोई सवाल हो तो आप पूछिए। गाइस जो भी फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे आपको एडवांटेज मिलेगा कि जो नोटिफिकेशन होते हैं वो मिलते रहेंगे आपको। तो किसी भी व्यूअर का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए गाइस। तो गाइस एक इंफॉर्मेशन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, तो आज मैंने एक वीडियो डाला था, वो कॉम्बर का प्रोडक्शन होता है उसके कैलकुलेशन के बारे में था कि किसी भी कॉम्बर मशीन का प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो गाइस मैंने 3 मेथड से बताया हुआ है कि आप कॉम्बर का प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक मेथड तो ये है कि मोहित कुमार जी पूछ रहे हैं सर साइजिंग के बारे में बताइए। तो मोहित कुमार जी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, वैसे तो मैंने साइजिंग के बारे में बहुत डिटेल में वीडियो बना के डाले हुए हैं मोहित जी, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। हमने साइजिंग प्रोसेस के बारे में वीडियो डाला है, हमने जो वीडियो डाला है साइजिंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है वो भी वीडियो डाला है, और मोहित जी मैंने जो साइजिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनका भी वीडियो डाला है। बट यहाँ पे आपने पूछा है तो मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ में थोड़ा सा बताऊंगा कि साइजिंग क्या होती है। एक्चुअल में मोहित जी जो साइजिंग की प्रोसेस होती है तो वीविंग के अंदर एक प्रिपरेटरी प्रोसेस होती है, तो इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा यार्न होता है ज्यादातर सिंगल प्लाई यार्न होता है तो वो वीवेबल नहीं होता है, मतलब उसको आप सिंगल प्लाई को डायरेक्ट लूम पर वीव नहीं कर सकते हैं, उसमें बहुत ब्रेकेज होते हैं, उसमें हेरीनेस होती है और जो फाइबर टू फाइबर स्लिपेज भी होता है, ट्विस्ट भी खुलता है। तो हम क्या करते हैं उस सिंगल प्लाई यार्न को, तो हम उस सिंगल प्लाई यार्न को क्या करते हैं गाइस कि जो हमारा धागा होता है सिंगल प्लाई उसको हम साइजिंग करते हैं। तो साइजिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो यार्न होता है उसको वीविंग करने के लायक बनाना, दूसरा होता है आपका जो धागा होता है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना, हेरीनेस घटाना और उसको एक प्रोटेक्टिव कवर देना। तो गाइस ये तो इसके ऑब्जेक्ट होते हैं। तो साइजिंग में हम क्या करते हैं कि धागे को एक साइजिंग लिक्विड से जिसमें कि एडहेसिव भी होते हैं और उसमें आपके बाइंडर होते हैं और शॉर्पनर वगैरह होता है, तो उसके लिक्विड में हम इमर्ज करते हैं, इसके बाद में फिर वो जाता है, सूखता भी है और यार्न टू यार्न सेपरेशन होके आपके बीबर्स बीम पर लपट जाता है। तो मोहित जी आप मेरे 3 वीडियो देख लीजिए आप, तो आपको जो आपकी क्वायरी है साइजिंग के बारे में वो बहुत क्लियर हो जाएगी। और मिस्टर किंग पूछ रहे हैं कि सर प्लेन वीव का मैक्सिमम कवर फैक्टर कितना होता है। तो मिस्टर किंग मैं आपको बता देता हूं कि जो प्लेन वीव होती है तो उसका जो कवर फैक्टर होता है वो 28 होता है मैक्सिमम। तो बट कभी भी जो मैक्सिमम तो प्लेन बीम में मैक्सिमम जो कवर फैक्टर होता है वो होता है आपका 28 होता है, और ये पूछना है पैरासूट में कौन सी बीम होती है। तो देखिए मिस्टर किंग ये तो नहीं बता सकता मैं पैरासूट में कौन सी बीम होती है, बट पैरासूट जो फैब्रिक होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, तो उनकी जो वर्स्टिंग स्ट्रेंथ होती है मिस्टर किंग तो वो मायने रखती है कि आपके कपड़े की वर्स्टिंग स्ट्रेंथ कितनी है। जितनी आपकी अच्छी वर्स्टिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतनी वो पैरासूट बनाने के लिए ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बीप तो बहुत ज्यादा इसका नहीं है, क्योंकि बीप तो कुछ भी हो सकती है बट उसकी जो वर्स्टिंग स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होनी चाहिए और उसकी जो एयर परमेबिलिटी है वो बहुत कम होनी चाहिए, मतलब उससे एयर बहुत कम पास होनी चाहिए और उसकी
जो वर्स्टिंग स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम होना चाहिए, तो ऐसा कपड़ा आपके पैरासूट बनाने के लिए सुइटेबल होता है। गाइज और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछिए, और गाइज यदि आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। गाइज यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। मिस्टर किंग पूछ रहे हैं कि साइजिंग में जो रिफ्रेक्टोमीटर वैल्यू होती है क्यों चेक करते हैं। बड़ा सिंपल सा सवाल है। देखिए मिस्टर किंग, क्या होता है जब हम साइजिंग करते हैं और जो साइजिंग लिक्विड बनाते हैं तो उसको एक डेफिनेट कंसेंट्रेशन रखना पड़ता है, स्ट्रेंथ रखनी पड़ती है। मतलब आपके 100 ग्राम या 100 ml वाटर में कितना साइजिंग लिक्विड का परसेंटेज है तो वो रखना पड़ता है। तो वो आप प्रैक्टिकली बना तो लेते हैं, मतलब आपने सारे जो केमिकल्स हैं या आपका स्टार्च बाइंडर शॉर्पनर वाटर सब ले लिया, आपने कैलकुलेशंस के हिसाब से ले लिया, बट उसके बाद में क्या होता है कि जब आप कुकिंग करते हैं तो आपकी कंडेंसेशन होती है स्टीम की, क्योंकि आपकी जो कुकिंग होती है तो थ्रू स्टीम होती है, आप जो कुकिंग वेसल होता है उसमें स्टीम छोड़ते हैं तभी आपका जो साइजिंग लिक्वर होता है वो कुक होता है। तो कहीं कहीं पर क्या होता है, स्टीम का प्रेशर कम होता है, कभी ज्यादा होता है, तो उसमें क्या होता है आपका जो आपने कैलकुलेट किया जो साइज का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं साइजिंग लिक्वर का, वो जितना आपने कैलकुलेट किया वो आता नहीं है और वो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। यदि आपका स्टीम का कंडेंसेशन ज्यादा होता है तो आपका जो आरएफ होता है वो घट जाता है, और स्टीम का कंडेंसेशन कम होता है तो आपका आरएफ थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो फाइनली हम चेक करते हैं कि जो हमने कंसीडर किया था, जो हमने कैलकुलेशन किए थे, वो आया कि नहीं आया। तो इसलिए हम रिफ्रेक्टोमीटर की सहायता से साइजिंग लिक्वर की जो रिफ्रेक्टोमीटर वैल्यू होती है या आपका साइजिंग लिक्वर का कंसंट्रेशन होता है परसेंट में, वो हम चेक करते हैं। तो मैं समझता हूं कि मिस्टर किंग आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और गाइस जो फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं व्यूअर, तो सब्सक्राइब जरूर करते रहे, मैं बीच बीच में रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, याद दिलाता रहता हूँ आप सभी लोगों को। तो गाइस सब्सक्राइब जरूर करते रहे और साइड में लगा हुआ बेल आइकन भी दबाएं साथ साथ में, जिससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे हमारे आने वाले अपकमिंग वीडियो जो होते हैं। तो गाइज आप अपने सवाल पूछते रहिए और आंसर मैं देता रहूंगा। गाइज आपका कोई भी क्वारी हो तो आप पूछ सकते हैं, और आप सभी लोग मेरे वीडियोज देखते रहिए जरूर। मिस्टर किंग आपने जो साइजिंग के बारे में सवाल पूछा, तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जो साइजिंग होती है तो इसके मैंने 3 वीडियो बनाए हैं। एक साइजिंग प्रोसेस का वीडियो बनाया है, एक हमने वीडियो बनाया है आपके लिए जो साइजिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और एक साइजिंग कैलकुलेशन का वीडियो है, और तो बहुत सारे वीडियो हैं साइजिंग के बारे में हमारे। आप जब हमारे चैनल पर जाएंगे सर्च करेंगे साइजिंग के वीडियो तो आपको इतनी जानकारी मिल जाएगी, तो जितने भी आपकी क्वायरी है वो वीडियो देख के क्लियर हो जाएगी। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे सजेस्ट ही कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो आप यदि मेरे वीडियो देखेंगे ना तो आपको इतनी जानकारी मिलेगी उन वीडियो से कि आप मेरे से सवाल नहीं पूछेंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी वहां पे, और बहुत अच्छे वीडियो हैं, वो बहुत डिटेल में बताए हुए हैं, तो आप जरूर देखिए मेरे वीडियो को। और मिस्टर मुकेश सिसोदिया जी बार्पिंग के बारे में पूछ रहे हैं। मुकेश जी मैं बार्पिंग के बारे में बता तो देता हूं आपको, बट मुकेश जी आपसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि ईमानदारी से बताना, आप मेरे वीडियो अच्छी तरीके से नहीं देख रहे हैं लगता है। मुकेश जी जरा बताइए, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर तो दे रहा हूं, बट आप बताइए आप मेरे वीडियो सही से नहीं देख रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं वीडियो देखने में। मिस्टर किंग मैंने आपको जो सजेशन दिया है तो आप जरूर वीडियो देखिए, आप वीडियो देखेंगे, जितना आप वीडियो देखेंगे जो चीज आप पूछ रहे हैं वो मैंने पूरी उसमें दी हुई है कि कैसे कैसे साइजिंग लिक्वर बनाया जाता है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो हाँ मुकेश जी आप वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। अब मैं आपके सवाल का उत्तर मैं ब्रीफ में दे देता हूं, बकाया तो आप वीडियो देखेंगे तो आपको डिटेल उत्तर मिलेगा। देखो तो बार्पिंग होती है, बार्पिंग एक प्रिपरेटरी प्रोसेस होती है बीबिंग की। तो उसमें क्या करते हैं कि हम बहुत सारे जो यार्न पैकेज होते हैं उनको कील पे माउंट करते हैं और उनसे एक बार्प शीट बनाते हैं,
और वो बार्प शीट कंटिन्यूस लेंथ की होती है, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ एंड्स होते हैं या बार्प के धागे होते हैं पूरे बार्प शीट में, वो आपके कपड़े के हिसाब से रखे जाते हैं, आपके कपड़े में कितने ईपीआई हैं और कितने आपके कपड़े में चौड़ाई है कपड़े की, तो उसके कैलकुलेशन के हिसाब से रखे जाते हैं। अब उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं कि फिर हमारे दो रास्ते निकलते हैं वार्पिंग के, मतलब दो टाइप की वार्पिंग होती है, एक होती है आपकी सेक्शनल वार्पिंग मशीन, एक होती है डायरेक्ट वार्पिंग मशीन। तो सेक्शनल वार्पिंग पे क्या होता है मुकेश जी के, वहां पे जो हम बीम बनाते हैं ना वो वन टाइम में नहीं बनता, वो दो पार्ट में बनता है। दो पार्ट से मतलब होता है पहले आपका धागा लपटता है वार्पिंग ड्रम पे, और वार्पिंग ड्रम पे जब धागा लपटता है तो एक साथ नहीं लपटता, वो नंबर ऑफ सेक्शंस में लपटता है, मतलब सेक्शन का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ एंड्स, मतलब कुछ धागों का एक ग्रुप होता है तो उसमें लपटता जाता है जब आपका पूरा बीम हो जाता है, मतलब वार्पिंग पूरा लपट जाता है। उसके बाद में फिर क्या होता है, तो उसके बाद में फिर क्या होता है, फिर वो जब वार्पिंग के ड्रम पर लपट जाता है फिर आपको उसको ट्रांसफर करते हो बीवर्स बीम पे, तो जो ट्रांसफर करने की प्रोसेस होती है उसको बीमिंग कहते हैं। अब दूसरी प्रोसेस होती है आपकी डायरेक्ट वार्पिंग की, तो डायरेक्ट वार्पिंग में क्या करते हैं, वहां पर देखिए जो बीम बनते हैं वो वन टाइम में बनते हैं, पर डायरेक्ट वार्पिंग में आपका वीवर्स बीम नहीं बनता, वहां पर वार्पर्स बीम बनते हैं। तो वहां पर नंबर ऑफ कोन्स ज्यादा लगाए जाते हैं और नंबर ऑफ बीम्स कैलकुलेट किए जाते हैं कपड़े के हिसाब से, फिर डायरेक्ट वार्पिंग पे हम बीम बनाते हैं 10 बीम 12 बीम 14 बीम, तो इस तरीके से आपकी होती है। और फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा मुकेश जी कि आप मेरे वीडियोस देख लीजिए अच्छी तरीके से, तो ये जितनी भी आपकी क्वेरी है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, आप एक भी क्वेरी आपकी नहीं बचेगी, आप देखिए वीडियोस को तो आपको सब चीज मिल जाएगी वहां पे। और विवेक जी नमस्कार, कैसे हैं आप? और देवऋषि जी पूछ रहे हैं, सर जी वीविंग के भी कुछ कैलकुलेशन प्रोडक्शन पर लेक्चर बना, सर मैं टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का छात्र हूँ पॉलिटेक्निक यूपी से। तो देवऋषि जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको वीविंग के कौन से कैलकुलेशन चाहिए, मैक्सिमम कैलकुलेशन जो वीविंग के होते हैं वो हमारे जो चैनल है उसके ऊपर सारे लेक्चर हैं। आप समझ लीजिए, आप ऐसे देख लीजिए, आपका साइजिंग कैलकुलेशन, आपका डायरेक्ट वार्पिंग कैलकुलेशन, आपका सेक्शनल वार्पिंग कैलकुलेशन, और आपका जो डायरेक्ट वार्पिंग का प्रोडक्शन, सेक्शनल वार्पिंग का प्रोडक्शन, आपका साइजिंग का प्रोडक्शन, लूम का प्रोडक्शन, रीड काउंट कैलकुलेशन, सारे के सारे वीडियो देवऋषि जी हमारे चैनल पे हैं। आप थोड़ा सा टाइम देंगे अगर वीडियो देखने में तो आपको पता लग जाएगा कि कितना कुछ है हमारे चैनल पे, तो आप जरूर देखिए उसको। और इसके बाद में फिर आपको लगता है कि कोई सी क्वेरी आपकी रह गई है देवऋषि जी, तो फिर आप मेरे से लाइव सेशन में मैं अल्टरनेट डे पे आता हूँ, आप पूछ सकते हैं मेरे से। और मुकेश जी बाइंडिंग के बारे में पूछ रहा है, बाइंडिंग की डिटेल के बारे में पूछ रहा है मुकेश जी। बाइंडिंग तो मैं आपको बता देता हूँ कि बाइंडिंग दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आपकी वेफ बाइंडिंग, एक होती है आपकी बार्प बाइंडिंग। तो बार्प बाइंडिंग में भी आपकी दो तरीके की होती है, एक होती है ड्रम बाइंडिंग। तो ड्रम बाइंडिंग में क्या होता है कि आपका जो पैकेज होता है नेगेटिवली ड्रिवन होता है, मतलब वो सरफेस कॉन्टेक्ट की सहायता से चलता है, जो आपका वाइंडिंग ड्रम होता है उस पर आपका पैकेज टच करता है तो आपका पैकेज घूमता है, और उस पर जो क्रॉस बाइंडिंग होती है, और एक होती है आपकी स्पिंडल बाइंडिंग, तो उसके ऊपर क्या होता है पॉजिटिव ड्राइव होता है, और आपकी जो बॉबिन होती है या आपकी सॉरी बॉबिन नहीं कहेंगे उसको, आपका स्पूल होता है वो पैरेलल बाइंडिंग होती है, वहां पे जो कॉइल होते हैं एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। एक होती है आपकी वेफ बाइंडिंग, तो वेफ बाइंडिंग में आपकी जो होती है पर्न बाइंडिंग होती है, एक तो पर्न बाइंडिंग में जो बॉबिन होते हैं वेफ के वो भरे जाते हैं, वो उनकी बाइंडिंग की जाती है। और एक होती है आपकी कोप बाइंडिंग, कोप बाइंडिंग में क्या होता है बहुत छोटी सी बॉबिन लगती है, बकाया वो पूरा यार्न होता है तो उसमें लेंथ ज्यादा ले सकते हैं। तो यही होता है बकाया मुकेश जी, एक आप थोड़ा सा वीडियो भी देख लीजिए, थोड़ी मेहनत कर लीजिए उसमें। हमने बार बाइंडिंग का भी वीडियो बनाया हुआ है, हमने वेफ बाइंडिंग का भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देखेंगे तो आपको सारे के सारे जितने भी आपकी क्वेरीज है वो क्लियर हो जाएगी। और गाइस जो भी व्यूअर मेरे फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आरके दीक्षित जी, दीक्षित जी कैसे हैं आप? दीक्षित जी पूछ रहे हैं सर ड्रॉइंग के बारे में बता दीजिए।
तो दीक्षित जी ये ड्राइंग पूछ रहे हैं आप, शायद बीबिंग में पूछ रहे हैं जो ड्राइंग इन बोलते हैं। दीक्षित जी आप बीबिंग के बारे में ड्राइंग पूछ रहे हैं या आप स्पिनिंग के बारे में पूछ रहे हैं? दीक्षित जी थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। गाइस आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन होता है। अच्छा आर के दीक्षित जी स्पिनिंग के बारे में पूछ रहे हैं। देखो दीक्षित जी क्या होता है, मैं बहुत सिंपल भाषा में बताता हूं कि जो ड्राइंग होती है, जो ड्रॉ फ्रेम होता है, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? उसका एक तो ऑब्जेक्ट होता है कि आपको जो स्लाइवर के अंदर जो फाइबर होते हैं उनको मैक्सिमम पैरेलल करना, मतलब जो आपके फाइबर होते हैं उनको पैरेलल करना होता है स्ट्रक्चर को, और दूसरा होता है आपको जो स्लाइवर होता है उसको जो अनइवननेस है उसको कम करना, या यूं कह लीजिए कि अपने स्लाइवर की इवननेस को बढ़ाना, और तीसरा एक और होता है आपका स्लाइवर को क्लीनिंग भी हो जाती है उसमें। तो ये तीन चार ऑब्जेक्ट होते हैं। तो स्लाइवर में क्या होता है कि एक तो ड्राफ्टिंग सिस्टम होता है, आपको जो स्लाइवर मिलता है कार्डिंग से तो वो हम रखते हैं पीछे, रखते हैं स्लाइवर के, उसमें क्रिल वगैरह भी होती है, गाइड रोलर भी होते हैं, तो वहां पर जब हम रखते हैं उसको तो नंबर ऑफ स्लाइवर्स रखे जाते हैं, मतलब या तो 6 स्लाइवर की फीडिंग होती है, कहीं कहीं पर 8 स्लाइवर की फीडिंग होती है। तो 8 स्लाइवर सपोज करिए उनका जो काउंट होता है या स्लाइवर हैंक होता है, तो जितना एक स्लाइवर का हैंक है तो हमने पीछे 6 या 8 स्लाइवर रख दिए, और उसके बाद में फिर क्या करते हैं कि हम फीड करते हैं, फिर जो फाइनली हमें जो ड्राफ्टिंग के बाद में स्लाइवर मिलता है वो उतना ही होता है लगभग जितना आपने स्लाइवर का काउंट फीड किया था। तो आपकी जो फाइबर होते हैं उनका अरेंजमेंट पैरेलल हो जाता है, तो और आपके जो स्लाइवर होता है उसकी इवननेस भी बढ़ जाती है। तो ये तो रोल होता है, और जो स्लाइवर जो आपका ड्रॉ फ्रेम होता है उसके अंदर ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट होता है, तो कहीं कहीं पर 3x3 का रोलर होता है, कहीं पर 4x3 का होता है, इसी तरीके से होता है। और राजू जी पूछ रहे हैं कि बीयू के ऊपर वीडियो नहीं बनाया। राजू जी बिल्कुल, मैं एक दो दिन में आपका जो क्वेरी है, तो जो मैंने बताया था कि मैं स्प्रिंग की सहायता से एक कपड़े का बीप बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे एनालिसिस करते हैं, तो राजू जी बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, बस एक दो दिन का इंतजार करिए, मैं आपका वीडियो बना के डालूंगा, क्योंकि मेरे पास में फ्रेम नहीं था, इसके लिए फ्रेम की आवश्यकता होती है, तो वो फ्रेम मुझे कहीं से खरीदना पड़ेगा, अभी मुझे मिला नहीं है, जो फ्रेम मिल जाएगा और उसके बाद में मैं तुरंत वीडियो बना के डालूंगा कि कैसे किसी बीप को एनालिसिस करते हैं, तो आप जरूर सीख पाएंगे, आप बस थोड़ा सा वेट कीजिए। राजू जी बस थोड़ा सा वेट कीजिए, एक दो दिन का वेट कर लीजिए, मैं वो फ्रेम की तलाश में हूं जिसके ऊपर हमें जो स्ट्रिंग होती है उसको जो एक तरीके से मान लीजिए जिसमें बार्पिंग करनी पड़ती है, तो वो मुझे मिल जाए तो फिर मैं बना देता हूं आपको, बस थोड़ा सा वेट कीजिए आप। तो गाइस आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए मेरे से, आप पूछ सकते हैं। और गाइस यदि आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुकेश सिसोदिया जी पूछ रहे हैं थर्ड सेमेस्टर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब मुकेश जी मुझे ये पता नहीं है थर्ड सेमेस्टर में आपके में क्या क्या होता है, सिलेबस क्या आपका, तो मैं ऐसे आपको थोड़ा सा नहीं कर सकता, वो गाइड नहीं कर सकता, बट जो जहां तक मैंने एक किसी मेरे व्यूअर ने एक क्वेश्चन पेपर भेजा था, तो वो क्वेश्चन पेपर मैंने देखा तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पेपर है, उसमें बेसिक चीजें पूछी गई हैं। सपोज करिए साइजिंग के बारे में पूछा, तो साइजिंग क्या होती है, तो साइजिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, ऐसे ही आपका वार्पिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, और आपका बीटिंग मोशन क्या होता है, आपका जो 5 बीट टेकअप मोशन क्या होता है, ऐसे सवाल है, तो बहुत सिंपल से सवाल है, तो उनको आपको बेसिक चीजें देखनी पड़ेंगी तो आप आराम से क्लियर कर लेंगे। और यदि आप अपने कोई सिलेबस वगैरह भेजेंगे तो फिर मैं क्वेश्चन बना के कोशिश करूंगा आपके लिए। आप एक काम करिए, आप अपना जो सिलेबस है थर्ड सेमेस्टर का वो मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, तो मैं फिर कोशिश करूंगा। अच्छा मुकेश जी आपने भेजा है वो क्वेश्चन पेपर, आपने अगर भेजा है
तो मुकेश जी वो मैं आपका क्वेश्चन पेपर एक तो सॉल्व कर दूंगा और मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दूंगा मैं आपका, और फिर मैं देखता हूँ उसी तरीके के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए, तो जिससे कि आपको एडवांटेज मिले, आपको क्या जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं थर्ड सेमेस्टर वगैरह के तो उनको मिले, मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा सेपरेटली, तो आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा ये मिस्टर किंग पूछ रहे हैं लास्ट मंथ में गेट में कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। देखो मिस्टर किंग क्या होता है, मैंने गेट के कुछ क्वेश्चन देखे थे, तो जो गेट के क्वेश्चन हैं उनमें जो किसी भी सब्जेक्ट से एक बहुत छोटी सी चीज लेते हैं जो शायद हम और आप लोग उसको छोड़ देते हैं, तो वो छोटी सी चीज होती है बट उसमें आपको चार ऑप्शनल क्वेश्चन दे देते हैं, तो आपको सब्जेक्ट को डीपली पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज को सोच के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो कहीं से भी उठा के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और बना देते हैं वो, तो उसको हर चीज पे वो बारीकी से देखना पड़ता है जहां तक मैंने देखा है। मिस्टर प्रदीप कुमार पूछ रहे हैं सर ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट क्या है, तो मिस्टर प्रदीप कुमार जी ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट होता है वो आपका, जैसे कि आपका ड्रॉ फ्रेम होता है उसमें होता है, आपका सिंप्लेक्स होता है उसमें होता है, तो ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट का, सबसे पहले वो समझ लीजिए। तो ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट एक ऐसा मैकेनिज्म होता है तो उसकी सहायता से हम फाइबर के स्ट्रैंड की लंबाई बढ़ाते हैं, मतलब उसको खींचते हैं और फाइबर जितने होते हैं उनको हम पैरेलल करते हैं, ये तो होता है उसका उद्देश्य। अब ड्राफ्टिंग सिस्टम होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट कंपनियां बनाती हैं, कोई 3/3 का होता है तो 3/3 का मतलब होता है 3 रोलर टॉप के होते हैं 3 रोलर बॉटम के होते हैं, कोई होता है 4/3 होता है, तो इस तरीके से होते हैं। बट इसमें क्या करते हैं कि जो आपके बैक ड्राफ्टिंग रोलर होते हैं उनकी स्पीड कम होती है और इसके बाद मिडिल की थोड़ी सी और ज्यादा होती है, और उसके बाद में जो आपका फ्रंट रोलर होता है तो उसकी और ज्यादा स्पीड होती है, तो क्या होता है पीछे डिलीवरी कम होती है, पीछे फीडिंग कम होती है और आपकी डिलीवरी ज्यादा मिलती है, तो आपका जो फाइबर का स्ट्रेंड होता है उसकी लंबाई बढ़ती जाती है, तो ये तो होता है आपका ड्राफ्टिंग सिस्टम। आरके दीक्षित जी पूछ रहे हैं ऑटो लेवलर क्या होता है, आरके दीक्षित जी मैं आपको बता देता हूँ संक्षेप में बता देता हूँ ऑटो लेवलर क्या होता है, तो ये ऑटो लेवलर ये होता है ना, ये आपके कार्डिंग पे भी लगे होते हैं और ऑटो लेवलर आपके ड्रॉ फ्रेम पे भी लगे होते हैं, तो इनका काम क्या होता है कि आपकी जब मशीन चल रही है तो किसी कारण से आपके स्लाइवर में कहीं पर काउंट वेरिएशन आता है, तो क्या करते हैं ये ऑटो लेवलर आपकी मशीन को एक रेंज के बाद में बंद कर देते हैं, तो ये ऑटो लेवलर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, तो ये हमेशा रीड करती रहती है आपके जो स्लाइवर आ रहा उसका जो काउंट है उसको रीड करती रहती है, और जैसे ही आपने जो फीड कर रखा है ±5% ±10% जो भी आपने फीड कर रखा होता है, तो जैसे ही वो रीड करेगी कि एक्सीड कर रहे हैं या बिलो जा रहे हैं, सपोज करिए आपने 10% फीड कर रखा है, 10% ज्यादा तक जा सकता है, तो 10% जैसे ही क्रॉस करेगा तो आपका मशीन बंद हो जाएगा, आपको चेक करना पड़ेगा कहां पे प्रॉब्लम आई है, तो ये ऑटो लेवलर का काम होता है। तो गाइस और कोई सवाल हो तो पूछते रहिए, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, अपना क्वेश्चन भेजिए, तो मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। और गाइस यदि कोई भी व्यूअर फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहा है इस शो से, तो मैं हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, बीच बीच में आपको याद दिलाता रहता हूँ कि गाइस आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबाते रहिए, तो गाइस उससे क्या होता है कि मैं कब वीडियो डाल रहा हूँ और कब मैं लाइव आ रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। तो गाइस यदि फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और साथ साथ में अपने क्वेश्चन भी पूछते रहिए गाइस, जो भी आपकी क्वेरी है तो आप पूछते जरूर रहिए। प्रदीप कुमार जी पूछ रहे हैं सर कॉइलिंग क्या होती है ड्रॉ फ्रेम में, तो प्रदीप कुमार जी जो आप पूछ रहे हैं कि सर कॉइलिंग क्या है ड्रॉ फ्रेम में, देखो प्रदीप कुमार जी ये जो कॉइलिंग होती है ये आपकी कार्डिंग में भी होती है,
और आपकी ड्राफ्रेम में भी होती है। तो इसमें क्या होता है कि जब आपका स्लाइवर निकलता है ड्राफ्टिंग रोलर से ड्राफ्रेम में, तो उसके बाद में उसको जो कैन होती है जिसमें कि आपका स्लाइवर इकट्ठा होता जाता है, तो जो कॉइलिंग सिस्टम होता है वो आपकी जो डिस्क होती है ऊपर वाली जो कॉइलिंग कैन के ऊपर लगी होती है, स्लाइवर कैन के ऊपर लगी होती है, वो घूमती रहती है, इससे स्लाइवर की कॉइल बनती जाती है। तो आपका जो स्लाइवर होता है उसमें इकट्ठा होता रहता है और वो सेफली इकट्ठा होता है। और दीक्षित जी सुपर लैप मशीन के बारे में पूछ रहे हैं, तो और दीक्षित जी जो सुपर लैप मशीन वगैरह होती है, तो इसका जो उद्देश्य होता है ना, सुपर लैप मशीन होती है तो इस तो सुपर लैप मशीन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो आपका कॉम्बर मशीन होता है उसके लिए फीड तैयार करना, मतलब जो कॉम्बर मशीन होती है उसके लिए फीडिंग होती है, लैप होती है। तो वो क्या होता है कि सुपर लैप के अंदर हम क्या करते हैं कि 16 से लेकर 32 स्लाइवर तक एक साथ फीड किए जाते हैं और वो कैलेंडर रोलर से पास होते हैं, तो उनकी एक शीट बन जाती है, वो एक साथ में इकट्ठे हो जाते हैं और वो एक रोलर पर लपटते जाते हैं, तो उससे आपका बन जाता है जो लैप रोलर बन जाता है छोटा, तो उसकी जो फीडिंग होती है वो होती है आपके कॉम्बर मशीन में। तो ये सुपर लैप मशीन का काम होता है। तो कोई बात नहीं, जो पास आउट हो गए उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो स्टूडेंट है उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो मिल्स में काम कर रहे हैं उनके लिए भी हमारे वीडियो बहुत बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि जो हम वीडियो बनाते हैं तो प्रैक्टिकल बेस पे बनाते हैं, और जो भी हम दिखाते हैं कैलकुलेशन करके उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो आप चाहे काम कर रहे हैं तब भी आप देख सकते हैं, आपको फायदा मिलेगा। हाँ मुकेश जी, आप मेरी सारी वीडियोस देखिए, और मैं तो जितने भी हमारे जो स्टूडेंट अभी इस शो को देख रहे हैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे शुरू से जो वीडियोज हैं लास्ट तक, फ्रॉम यार्न काउंट, हमने पहला वीडियो डाला था यार्न काउंट के बारे में, यार्न काउंट और यार्न फाइनेंस के बारे में, वहां से लेके आज तक के वीडियो देखिए। जब आप मेरे वीडियोज देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको बहुत कुछ मिलेगा उसमें, आपके जो यार्न काउंट कन्वर्जन तो प्रदीप कुमार जी रिबन लैप मशीन के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए प्रदीप कुमार जी, ये रिबन लैप मशीन होती है, ये भी आपके उसमें काम आती है, ये जो कॉम्बर का जो फीड तैयार करते हैं, तो ये दोनों मशीनें होती हैं, एक तो ये होती है आपकी रिबन लैप मशीन होती है, एक सुपर लैप मशीन होती है, तो दोनों का लगभग एक ही फंक्शन होता है। कोई बात नहीं मुकेश जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई काम आ गया है तो आप जाइए और अपना काम कीजिए, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। तो और गाइस, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, जितने भी व्यूअर देख रहे हैं उनका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको आंसर करता रहूंगा। और गाइस, अब मैं स्पिनिंग की जो प्रोसेस है, क्योंकि स्पिनिंग के मैंने जो प्रोडक्शन के जितने वीडियो थे वो मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं, फ्रॉम ब्लो रूम टू रिंग फ्रेम रोटर स्पिनिंग इवन, तो उसके बाद में अब मैं स्पिनिंग प्रोसेस की जो थ्योरी है तो उसको मैं ले रहा हूं, उसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्रदीप कुमार जी, आप ये बताइए आपको क्या जानना है, फाइव सेमेस्टर में क्या क्या आता है आपका। दीक्षित जी पूछ रहे हैं आप कौन सी सिटी में है, तो दीक्षित जी को मैं बता देता हूँ, दीक्षित जी मैं यहाँ गाजियाबाद को बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद को बिलोंग करता हूँ। और प्रदीप कुमार जी आप अपना बता दीजिए कि आपका जो फाइव सेमेस्टर है उसमें क्या क्या है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ,
इस सेशन में नहीं होता तो मैं आगे कोशिश करता हूं। तो मेरी कोशिश रहती है हमेशा आपकी जो भी क्वेरीज होती है उनको मैं अच्छे से क्लियर करूं। रेहान अहमद कैसे हैं आप? हेलो रेहान अहमद जी, शायद फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं आप मेरे शो से, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्रदीप कुमार जी, आप ड्रॉप फ्रेम और कॉम्बर के बारे में पूछ रहे हैं, तो प्रदीप कुमार जी मैं आपको बता देता हूं कि जो ड्रॉप फ्रेम है उसकी मैंने प्रोडक्शन की वीडियो डाली हुई है, उसका प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं वो मैंने वीडियो डाली हुई है, और जो कॉम्बर है उसका भी प्रोडक्शन का वीडियो डाला हुआ है, और आपका स्पीड फ्रेम है उसका भी हमने प्रोडक्शन का भी वीडियो डाला है, कैलकुलेशन का और एफिशिएंसी का डाला है, रिंग फ्रेम का डाला है इवन, तो आप देखिए उन वीडियोस को, आपको प्रोडक्शन कैलकुलेट करना आ जाएगा। अब इसके बाद में सिर्फ वो ड्राफ्ट वगैरह निकालना होता है तो वो उसका भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो बस आप इन वीडियो को देखिए तब तक, तो आप इनसे बहुत कुछ सीख पाएंगे। इसके बाद में मैं आगे भी और वीडियो डालने वाला हूँ, तब आपकी जो भी जितनी भी क्वेरी है वो क्लियर होती रहेंगी। और रेहान जी थैंक यू। तो गाइस यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं इस लाइव शो में, और यदि फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं हमेशा बीच बीच में कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे कि आपको वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे गाइस, और आप अपना सवाल पूछते रहिए बीच बीच में, आपका जो भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, सेंड कीजिए, तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा। गाइस होता क्या है कि बहुत बार हमारे जो स्टूडेंट्स वगैरह सोचते हैं कि ये पूछूं ना पूछूं, ये बहुत दीक्षित जी कोई बात नहीं, आप यदि मेरे क्लास से जा रहे हैं आपको कोई काम लग गया है तो कोई बात नहीं है, आप जा सकते हैं, आप अपना इम्पोर्टेंट काम है वो जरूर कीजिए। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं और भी लोग होते हैं जो सोचते हैं कि इतना छोटा क्वेश्चन, उनको थोड़ा सा शर्म सी आती है उनको पूछने में, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप शर्म मत कीजिए क्वेश्चन पूछने में कोई भी, क्योंकि शर्म करने से काम नहीं चलता है। आप क्वेश्चन पूछिए, हो सकता है आपको क्वेश्चन कभी वो पूछ के आपको उसका उत्तर मिलता है वो कभी काम आ जाए आपके, और क्वेश्चन कोई छोटा भी नहीं होता बड़ा भी नहीं होता, तो आप जरूर पूछिए यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, तो मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूं कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर मिले। तो गाइस आस्क योर क्वेश्चन इफ यू हैव, तो आपको हेजिटेट नहीं करना है, शर्माना नहीं है, यदि आप पूछते हैं तो मैं आपके क्वेरी का आंसर करता हूं। गाइस आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो मैं आपके क्वेश्चन का जरूर आंसर करूंगा। और गाइस जो फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते रहे चैनल को। और गाइस आप सभी लोग, मेरा जो नेक्स्ट लाइव सेशन होगा वो परसों होगा, यानी कि 9 तारीख को रात्रि को 8 बजे, तो कनेक्ट होना मत भूलिए, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिए और वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि जितने भी आप अभी क्वेश्चन पूछते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर मेरे उन वीडियोज में होते हैं, बट मैं यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन तो कर सकता हूँ, बट डिटेल में यदि आप जानना चाहते हैं तो वो हमारे वीडियो जरूर देखिए, जो आप वीडियोज देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी। और जो फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं गाइस तो सब्सक्राइब करते रहे चैनल को। गाइस आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, सेंड कीजिए, तो मैं आपकी क्वेरी को आंसर करूंगा। आप यदि टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप यदि फ्रेशर हैं, अभी आपने पास आउट किया है, या आप लर्नर हैं, बिगनर हैं, नॉन टेक्निकल हैं, तो आप इस शो का लाभ उठा सकते हैं। गाइस इस शो में कनेक्ट होके आप अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गाइज मैं यहाँ पे हर अल्टरनेट डे पे रात्रि के 8 बजे लाइव आता हूँ और आपके जो लाइव क्वेश्चन होते हैं उनको आंसर करता हूँ। तो गाइज यदि आपका कोई भी क्वेरी हो तो इस लाइव सेशन में आके आप पूछ सकते हैं। भास्कर सिंह जी पूछ रहे हैं सर बार्पिंग किसे कहते हैं। आशीष बधाई जी कह रहे हैं सर,
भास्कर सिंह जी बार्पिंग के बारे में पूछ रहे हैं, तो भास्कर जी बार्पिंग के बारे में तो मैंने अभी दो तीन बार एक्सप्लेन कर दिया है, बट मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ बार्पिंग क्या होती है। वीविंग प्रिपरेटरी की एक ऐसी प्रोसेस होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो बार्प होता है या धागा होता है उसकी एक शीट तैयार करते हैं, बार्प शीट, और वो भी कंटिन्यूस बार्प शीट तैयार करते हैं। तो उसके अंदर जो धागे होते हैं बार्प के, वो एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं और बराबर गैप होता है उनके बीच में, और फिर उनको एक बीम बैरल पर लपेटते हैं, बीम पर लपेटते हैं। तो बार्पिंग दो तरीके की होती है, और एक होती है डायरेक्ट बार्पिंग, एक होती है सेक्शनल बार्पिंग। तो भास्कर जी आप मेरे वीडियोज देख लीजिए, सेक्शनल वार्पिंग का और डायरेक्ट वार्पिंग का वीडियोज देख लीजिए, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उस वीडियो में, उन वीडियोज में मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। और भास्कर सिंह जी आप शायद फर्स्ट टाइम शो से कनेक्ट हो रहे हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। और आशीष बधाई जी पूछ रहे हैं सर HT और HP डाइंग के बारे में बताइए। तो आशीष बधाई जी शायद ये जो टर्म आप पूछ रहे हैं इसको शायद हो सकता है मैं दूसरे नाम से जानता हूं, तो मुझे देखना पड़ेगा, बट मैं इसको चेक करूंगा और फिर मैं नेक्स्ट लाइव सेशन में मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। सक्षम जैन पूछ रहे हैं कि हमें प्रिंटिंग के बारे में बताइए। देखो सक्षम जैन जी, प्रिंटिंग के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो इस तरीके से बोल सकते हैं आप कि एक तो होती है मैनुअल प्रिंटिंग, एक मान लीजिए आप मैकेनिकल प्रिंटिंग, एक मान लीजिए आप डिजिटल प्रिंटिंग, ठीक है ना। तो जो मैनुअल प्रिंटिंग होती है तो उसके अंदर एक आती है स्क्रीन प्रिंटिंग होती है, एक आपकी ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, ठीक है ना। तो अब स्क्रीन प्रिंटिंग में जो आपकी स्क्रीन प्रिंटिंग होती है तो उसमें मैं आपको बताता हूं कि स्क्रीन प्रिंटिंग में हम क्या करते हैं, बट वो मैनुअल प्रिंटिंग में भी आती है स्क्रीन प्रिंटिंग और मैकेनिकल प्रिंटिंग में भी आती है, क्योंकि जो स्क्रीन प्रिंटिंग मैनुअल होती है उसके अंदर हम फ्रेम तैयार करते हैं, उसके हम स्क्रीन बनाते हैं और टेबल पे अपने कपड़े को स्प्रेड कर देते हैं, फिर हम प्रिंटिंग करते हैं। तो जितने कलर चाहिए होते हैं उतनी हम स्क्रीन तैयार करते हैं, और हम उसमें जो आप इंक की बात कर रहे हैं तो वहां पे इंक यूज नहीं होती है, वहां पे पिगमेंट यूज होता, पिगमेंट के कलर यूज होते हैं, या आपके जो कलर होते हैं जैसे कि आपका हो गया डिस्चार्ज के कलर होते हैं या रिएक्टिव के कलर होते हैं वो यूज होते हैं। और जो ब्लॉक प्रिंटिंग होता है वो तो आपको पता ही है, सिंपल सा होता है, एक ब्लॉक बनाया जाता है, उसको किसी भी कलर में डुबो के कहीं पर भी आप सिस्टमेटिकली उसको ठप्पा मार देते हैं तो आपका वहां पर डिजाइन बनता चला जाता है। और अब इसके बाद में आती है आपकी मैकेनिकल प्रिंटिंग। तो मैकेनिकल प्रिंटिंग में क्या होता है कि आपकी एक तो जो स्क्रीन प्रिंटिंग में, मैकेनिकल प्रिंटिंग में आज के डेट में स्क्रीन प्रिंटिंग ही होती है, तो उसमें क्या होता है, एक होती है फ्लैट बेड प्रिंटिंग होती है, तो उसमें जो रेक्टेंगुलर जो स्क्रीन होते हैं वो चलते हैं, तो बड़े बड़े डिजाइन उसमें बनते हैं। और जो आपकी स्क्रीन प्रिंटिंग होती है, रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग होती है, उसके अंदर भी कंटिन्यूस प्रोडक्शन चलता रहता है, तो उसमें क्या होता है स्पीड बहुत हाई होती है, बट कलर वगैरह जो होते हैं वो वही होते हैं, आपका पिगमेंट भी होता है और आपका जो डिस्पर्स के डिस्चार्ज के भी कलर होते हैं, रिएक्टिव के भी होते हैं, तो यही होते हैं। और आपका जो डिजिटल प्रिंटिंग है तो डिजिटल प्रिंटिंग में तो वही सारे कलर होते हैं जो कंप्यूटर वगैरह में होते हैं, तो अब उनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं है अभी, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। भास्कर सिंह जी मैंने आपको अभी बताया वार्पिंग किसे कहते हैं, तो वार्पिंग बता दिया मैंने, वार्पिंग वीविंग प्रिपरेटरी की एक प्रोसेस होती है, तो उसके अंदर हम वार्प के जो धागे होते हैं उनकी एक कंटिन्यूअस शीट तैयार करते हैं, उसके अंदर जो आपके धागे होते हैं वो एक दूसरे से बराबर दूरी पर होते हैं और उनके बीच में बराबर गैप होता है और वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, समानांतर होते हैं, समानांतर होते हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि जो वार्पिंग होती है दो तरीके की होती है, एक डायरेक्ट वार्पिंग होती है और एक होती है आपकी सेक्शनल वार्पिंग। तो भास्कर जी आप मेरे दो वीडियोस देख लीजिए, तो जो हमारे वार्पिंग के बारे में है, डायरेक्ट वार्पिंग और सेक्शनल वार्पिंग, आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, जो वीविंग प्रोसेस की प्लेलिस्ट है उसमें आपको डायरेक्ट वार्पिंग की प्रोसेस भी मिल जाएगी,
आपको सेक्शनल वार्पिंग की प्रोसेस भी मिल जाएगी, वार्पिंग का ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा आपको, सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो आप उनको देख लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और इसके बारे में भी आपको क्लियर नहीं होता है तो आप मेरे से फिर पूछिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और भास्कर जी, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं किया ये बता दीजिए। और यदि भास्कर जी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और कोई हमारे व्यूअर हैं मिस्टर स्वीट क्रिस्टी, तो स्वीट क्रिस्टी जी पूछ रहे हैं कि जीएसएम के बारे में बता दीजिए। तो पहले तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, शायद ये फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं स्वीट क्रिस्टी जी, तो इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। तो मिस्टर क्रिस्टी जी, जो जीएसएम का जो यदि आप शाब्दिक अर्थ निकालेंगे क्रिस्टी जी, तो जीएसएम का मतलब होता है ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर, मतलब एक स्क्वायर मीटर कपड़े का ग्राम में जो वजन होता है, एक स्क्वायर मीटर कपड़े का ग्राम में जो वजन होता है उसको हम जीएसएम बोलते हैं, मतलब ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर बोलते हैं। तो अब एक स्क्वायर मीटर कपड़ा क्या होगा, मतलब एक मीटर कपड़ा लंबा होना चाहिए और एक मीटर चौड़ा होना चाहिए, उसको आप तराजू से तोल लीजिए, ग्राम में जितना वजन आएगा वो आपका जीएसएम हो जाता है। एक तरीका ये है। अब दूसरा, अगर आप निकालना चाहें जीएसएम, तो उसका एक और तरीका होता है, लैब वगैरह में जीएसएम कटर होता है, तो जीएसएम कटर से आप एक सर्कल काट लीजिए, उसको आप वेइंग मशीन पर तोल लीजिए, मतलब तराजू पर तोल लीजिए, तराजू पर तोलने पर जितना ग्राम में वजन आएगा उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जीएसएम निकल आएगा। तो ये तो होता है आपका जीएसएम। और आप कैलकुलेशन की सहायता से भी यदि करना चाहते हैं तो कैलकुलेशन के भी हमने वीडियो बनाए हुए हैं कि यदि आप पे ईपीआई पीपीआई हो, मतलब एंड्स पर इंच और पिक्स पर इंच हो, और आपके पास में वार्प काउंट और बेफ काउंट हो, तो आप जीएसएम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी मैंने बताया हुआ है वहां पे। तो आप मेरा वीडियो देख लीजिए फैब्रिक जीएसएम कैलकुलेशन का, तो आपको बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी। ये हमारे कोई भी सक्सेस फॉर्मूला पूछ रहे हैं कि 380 का इनका यार्न है, तो ये पूछ रहे हैं कि रीड काउंट क्या होगा। तो देखो सक्सेस फॉर्मूला जी, मैं आपको बताता हूं, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूं जो आप पूछ रहे हैं, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हैं कहीं ना कहीं पे। देखो रीड काउंट तो जो निकालते हैं हम, वो अकॉर्डिंग टू फैब्रिक निकालते हैं। आपका फैब्रिक क्या है तो उस हिसाब से आप रीड काउंट निकालेंगे। जो अब आप पूछ रहे हैं कि 380 में रीड काउंट क्या होगा स्टॉक पोर्ट सिस्टम में, तो ये 380 तो आपका यान का काउंट है, क्या है ये 380 यान का काउंट है या तीन डेंट भरे हुए हैं 80 के रीड में, मेरे ख्याल से यान काउंट है ये। तो आप यान काउंट से नहीं निकालेंगे, आपका जो कपड़ा होता है उसी से निकाला जाता है, आपके कपड़े में कितने की डेंटिंग हो रही है उससे निकाला जाता है जो रीड काउंट होता है। और मिस्टर रमेश पवार जी कुछ पूछ रहे हैं, तो रमेश पवार जी नमस्कार, रमेश पवार जी शायद फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं, तो रमेश पवार जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपकी जो क्वेरी है कि 6652 तो आपका कंस्ट्रक्शन है, और 30 और 40 इसके जो काउंट है धागे के, फॉर दिस कंस्ट्रक्शन हाउ मैनी विल बी द यान एंड इन बीम। तो रमेश पवार जी आप इसमें एक चीज भूल रहे हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे हमें चौड़ाई भी बतानी पड़ेगी, इसमें कपड़े की चौड़ाई बताइए रमेश पवार जी इंच में। तो आपके जितने ये जो 66 है ये आपके एंड्स पर इंच है कपड़े में, तो इसमें आप जो कपड़े की चौड़ाई है, सपोज करिए आपके कपड़े की चौड़ाई 100 इंच है, तो आप 66 को 100 से गुणा कर दीजिए तो आपके बीम में नंबर ऑफ एंड्स आ जाएंगे। और मिस्टर किंग शुभम पूछ रहे हैं कि क्लॉथ ब्लीचिंग का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितनी लागत लगती है, प्लीज टेल मी सर। रमेश पवार जी ठीक है, अगर आपने 39 इंचेज आपका कपड़ा है तो आप जो आपका ईपीआई 66 है तो आप
66 में मल्टीप्लाई कर देंगे 39 का, तो आपके जो नंबर ऑफ एंड्स इन बीम है वो निकल के आ जाएंगे। सक्सेस फॉर्मूला कह रहे हैं कि रिपीट कर दीजिए सर। देखो मिस्टर सक्सेस फॉर्मूला, मैं आपको बता देता हूं। आप कह रहे हैं कि जो 380 का धागा है आपका, ठीक है, आप पूछ रहे हैं कि आप रीड काउंट कैसे निकालेंगे, तो इसमें रीड काउंट नहीं निकाला जाता है, अकेला यार्न काउंट से रीड काउंट नहीं निकलता है। बेसिकली रीड काउंट कब निकलता है कि जो आपका यार्न, जो आपका कपड़ा होता है, तो उसमें एनालाइज करना पड़ता है कि आपके कपड़े में जो डेंटिंग ऑर्डर है वो क्या है, तो उसके अनुसार ही निकाला जाता है आपका रीड काउंट। तो आप यार्न की सहायता से आप नहीं निकाल सकते अकेला। तो गाइस जो भी व्यूअर मेरे फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं, तो उनसे मैं निवेदन करता रहता हूं बीच बीच में कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहे और साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन भी दबाते रहे गाइस, जिससे आपको एडवांटेज मिलेगा। अच्छा मिस्टर किंग शुभम जी, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर देता हूं। तो किंग शुभम जी क्या होता है कि आप ब्लीचिंग का बिजनेस खोलना चाहते हैं, ठीक है, आप ब्लीचिंग का बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा कुछ एक छोटा मोटा सा एक वो प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप कितनी कैपेसिटी का लगाना चाहते हैं, कितनी चौड़ाई तक का करना चाहते हैं, और तभी इसका कुछ बताया जा सकता है। मतलब सिर्फ दो लाइन में अगर आपने पूछा तो इसकी कॉस्ट नहीं बताई जा सकती है। तो आप थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि कितनी चौड़ाई रखनी है आपको, कितना कैपेसिटी का लगाएंगे। प्रशांत जी जीएसएम के बारे में पूछ रहे हैं, तो प्रशांत जी अभी अभी मैंने जीएसएम के बारे में बताया था, बट मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जीएसएम का मतलब होता है ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर, मतलब एक स्क्वायर मीटर कपड़े का वजन ग्राम में जितना होता है वो उस कपड़े का जीएसएम कहलाता है। मतलब एक मीटर लंबा कपड़ा, एक मीटर चौड़ा कपड़ा, यदि आप लेके उसको तराजू से तोलेंगे तो ग्राम में जितना वजन आएगा वो आपका जीएसएम होता है। अब यहाँ पर मिस्टर पवार पूछ रहे हैं कि यार्न निकाल लिया, अब रीड विड्थ निकालना चाह रही है। देखो मिस्टर पवार जी, मैं आपको बता देता हूं कि जो आपने धागे निकाल लिए, अब आप क्या करेंगे कि जो आपका कपड़ा है उसमें आप निकालेंगे, जो आपका बेल्ट है उसमें कितना क्रिम्प है, आप बेल्ट क्रिम्प निकाल लीजिए, और जो आपकी रीड विड्थ आई है, सॉरी जो आपके कपड़े की विड्थ है उसमें आप जितना क्रिम्प परसेंट है बेल्ट का वो प्लस कर दीजिए, वो आपकी रीड विड्थ आ जाएगी, और उसी से आप रीड काउंट निकाल लेंगे। एक मेरा वीडियो है पवार जी, मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूं यहाँ पे, एक मेरा वीडियो है, आप मेरी टेक्सटाइल कैलकुलेशन की प्लेलिस्ट में जाइए, तो वहां पे मेरा एक वीडियो है, वो वीडियो है रीड काउंट सिलेक्शन, तो रीड काउंट सिलेक्शन का एक वीडियो देख लीजिए पवार जी, आपको सब कुछ मिलेगा वहां पे, रीड स्पेस कैसे निकाले हैं, डेंटिंग ऑर्डर कैसे निकाले हैं, रीड काउंट कैसे निकाले, बहुत अच्छा वीडियो है, आप देख लीजिए, तो आपको जितनी भी आप पूछ रहे हैं वो सारी क्वेरी क्लियर हो जाएगी। सक्षम जैन जी, आप जो पूछ रहे हैं रिएक्टिव पिगमेंट और डिस्पर्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाकर डालूंगा, तभी बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, क्योंकि एक लाइन में कुछ क्लियर होता नहीं है। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, तो फिर मैं जरूर डालूंगा वीडियो। और नकीब जी गुड इवनिंग, कैसे हैं नकीब जी, और भास्कर सिंह जी ड्रम बाइंडिंग क्या होती है पूछ रहे हैं, तो भास्कर जी मैं आपको बता देता हूँ ड्रम बाइंडिंग क्या होती है। भास्कर जी होता क्या है कि जो हमारी बाइंडिंग होती है, और बाइंडिंग में भी बार बाइंडिंग, तो बार बाइंडिंग दो तरीके की होती है, एक होती है ड्रम बाइंडिंग और एक होती है प्रेसिजन बाइंडिंग। तो ड्रम बाइंडिंग उसको बोलते हैं जहां पे आपका जो पैकेज होता है वो नेगेटिवली ड्रिवन होता है, मतलब जो आपका कोन या चीज होता है वो घूमती है, तो उसमें कोई मोटर से या गियर से कोई ड्राइव नहीं होता है, वो जो बाइंडिंग ड्रम होता है उसके सहारे से घूमता है, तो उसको बोलते हैं ड्रम बाइंडिंग मशीन। तो नकीब अहमद जी पूछ रहे हैं कि ये जो आपका जो
30s का कॉमेडी आर्न है इनका, ये ऊस्टर के बारे में पूछ रहे हैं। नकीब जी, इसका ऊस्टर मेरे ख्याल से इसका लगभग जहां तक मैं समझता हूँ इसका ऊस्टर 8.5 से 9 के बीच में होना चाहिए, मतलब 8.5 to 9 होना चाहिए इसका ऊस्टर। तो गाइस, जो भी व्यूअर्स मेरे फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो उससे होता क्या है कि जो हम वीडियो डालते हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहते हैं रेगुलरली। तो गाइस, सब्सक्राइब करते रहिए और साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबाते रहिए और अपने जो क्वेरी है कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिए और सेंड करते रहिए, मैं आपकी क्वेरी का आंसर करता रहूंगा। तो गाइस, आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए और इस लाइव शो में भी कनेक्ट होते रहिए, तो उससे आपको बहुत सारी जो जानकारी मिलती है तो वो वीडियो से मिलेगी। उसके अलावा आपकी कोई क्वेरी होती है तो इस लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। तो गाइज, आप अपना सवाल जरूर पूछिए, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इस लाइव सेशन में कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं। तो गाइज, नकीब जी क्या कह रहे हैं, 9.20 काउंट ऊस्टर 3-1 कॉम कंपैक्ट अनवैक्स्ड बीविंग। नकीब जी, ऐसे कोई देखो स्टैंडर्ड होते नहीं है, सबके अपने कंपनी के होते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा कहना मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि अब आप देख लीजिए, यदि आप कहीं पर धागा खरीद रहे हैं तो सिस्टम यही होता है कि 2-3 पार्टियों से आप धागा मंगाइए, सैंपल मंगाइए आप, और दो चीजें कंपेयर करते हैं, एक तो आप रेट कंपेयर करते हैं और उसकी क्वालिटी कंपेयर करते हैं। तो आप उसकी टेस्ट रिपोर्ट मंगाइए, जो आपको जो आपके सप्लायर हैं उनसे मंगा के फिर आप उसको कंपेयर कर लीजिए, जो आपको रिजल्ट अच्छे लग रहे हैं जिस धागे के, आपके एक तो क्वालिटी वाइज और आपका प्राइस वाइज दोनों कंपेयर करना पड़ता है। तो इसमें मैं यही कह सकता हूं कि आपको कंपेयर करना पड़ेगा। ये सब चीजें होती है ना कि कंपनी वाइज ही फर्क करते हैं, किसी की मिक्सिंग क्या है, किसी की कुछ है, तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, किसी ने मिक्सिंग क्या ली, किसी ने फाइबर कौन सा लिया, तो वो सब बहुत चीजें होती हैं इसमें। और भास्कर सिंह जी साइजिंग पेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं, साइजिंग पेस्ट कैसे बनाते हैं। भास्कर सिंह जी, साइजिंग पेस्ट कैसे बनाते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। भास्कर सिंह जी, आप सुन लीजिए, साइजिंग पेस्ट या साइजिंग लिक्वर, इसको साइजिंग लिक्वर भी बोलते हैं और साइजिंग पेस्ट भी बोलते हैं कोई कोई। तो साइजिंग पेस्ट क्या होता है कि साइजिंग पेस्ट के अंदर कुछ साइजिंग इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, मतलब उसके अंदर क्या क्या डालना, क्या क्या डाला जाता है वो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहला होता है आपका एडहेसिव एजेंट, तो एडहेसिव एजेंट होता है आपका वो प्राइमरी एजेंट होता है, प्राइमरी साइजिंग इंग्रेडिएंट्स होता है। तो एडहेसिव एजेंट में हम स्टार्च लेते हैं, और इसके बाद में आपका जो सॉफ्टनिंग एजेंट होता है या लुब्रिकेंट होता है उसमें सॉफ्टनर लेते हैं, तो और तीसरा होता है आपका जो होता है वाइंडिंग एजेंट, तो उसमें हम गम वगैरह लेते हैं। तो उसके अलावा और भी होते हैं, एंटीसेप्टिक एजेंट है, हाइग्रोस्कोपिक एजेंट है, तो वो भी लेते हैं। तो इनको सबको हम क्या करते हैं, एक पानी की मात्रा निश्चित लेते हैं और केमिकल की मात्रा भी निश्चित करते हैं, वो हम करते हैं परसेंटेज के हिसाब से, आपको साइजिंग लिक्विड कितने परसेंट का प्रिपेयर करना है। तो अब आप देखते हैं कि आपके पास में धागा कौन सा है, कौन सी यार्न काउंट है, उसके हिसाब से आप साइजिंग के रेसिपी बनाते हैं और उसकी कुकिंग करते हैं। जब उसकी कुकिंग करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको कितने परसेंट बनाना है। सपोज करिए 10% का बनाना है, 10% के हिसाब से आप सारे केमिकल ले लेंगे, तो केमिकल लेके फिर आप स्टीम की सहायता से उसको जो कुकिंग वेसल होता है उसमें कुक करते हैं, तो आपका साइजिंग लिक्विड तैयार हो जाता है। तो पवार साहब पूछ रहे हैं, सर मुझे बताया गया कि 56-52-40-60-47 इंच पना को बीम में 2800 धागे बताया गया है। पवार साहब जी, यहां पर देखो जो लिखा हुआ है आपका, पहले ये जो लिखा हुआ है पवार साहब जी, आपने 56-52 का मतलब आपका 56 एंड्स पर इंच है, मतलब ईपीआई है, 52 पिक्स पर इंच है,
40 बार्ब का काउंट है और 60 बैफ का काउंट है और आपका पना या विथ है आपकी 47। बिल्कुल क्लियर है ना ये बात? थोड़ा सा आप इसको क्लियर कीजिए, यही है ना जो मैं बोल रहा हूं? पवार साहब जी बताइए, थोड़ा सा क्लियर कीजिए इसको कि ये जो 56 है ये एंड्स पर इंच है और 52 पिक्स पर इंच है, 40 आपका बार्ब काउंट है और 60 वेफ्ट काउंट है। ठीक है पवार साहब जी, आपने क्लियर कर दिया। तो आपका 56 एंड्स पर इंच है, आपका कपड़े का पना कितना है 47 इंच है। अब आप सिंपल सी बात देख लीजिए कि एक इंच में बार्ब के धागे हैं 56 कपड़े में, तो आपके 47 इंच में कितने होंगे? तो 56 में 47 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसमें आप यदि आपके पास में कैलकुलेटर हो तो आप 56 मल्टीप्लाई बाई 47 कीजिए, और मैं भी यहां पर करता हूं कैलकुलेटर से, एक मिनट आप भी कीजिए। तो पवार साहब मैंने यहां पर कैलकुलेशन किया है, तो जो आपका बीम है तो इसके अंदर जो धागे आएंगे तो वो 2800 नहीं होंगे, मतलब 2800 नहीं होंगे, वो होंगे आपके 2632। अब आप कह रहे हैं कि 2800 आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये आपने दी हुई है ये 47, ये कपड़े की चौड़ाई नहीं है, फिर ये आपकी बीम की चौड़ाई बता रहे हो आप पूछिए, तो या कहीं ना कहीं पर कोई गड़बड़ है आपकी। यदि आपका कपड़ा 56 EPI है और उसकी चौड़ाई 47 है तो सीधी सी बात है आपके 2632 एंड आएंगे। तो गाइस आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछते रहिए, और जो मेरे व्यूअर फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं तो उनसे मैं बीच बीच में रिक्वेस्ट करता रहता हूं कि वो सब्सक्राइब जरूर करते रहे, सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस, जिससे आपको एडवांटेज मिलेगा कि जो हमारा जो लाइव सेशन का नोटिफिकेशन होता है वो आप तक पहुंचता रहेगा, और मैं कब वीडियो अपलोड करता हूं वो भी आप तक पहुंचता रहेगा। तो गाइज सब्सक्राइब करना जरूर ना बिल्कुल ना भूलें, और गाइज आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर पूछते रहें, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का मैं आंसर जरूर करूंगा। गाइज आस्क योर क्वेश्चन इफ यू हैव, तो आपका जो भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, सेंड कर दीजिए, और गाइस कोई भी क्वेश्चन हो छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं होता है, मेरे नजर में क्वेश्चन कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, तो आप अपने क्वेश्चन को सेंड कर दीजिए और मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करूंगा। और गाइस आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिए, और हेजिटेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई शर्माने की आवश्यकता नहीं होती है। Guys, ask your question if you have. Guys, यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, भेज दीजिए। आप स्टूडेंट हैं टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के, आप फ्रेशर हैं, या आप कहीं पर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में जॉब करते हैं, यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस लाइव सेशन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके क्वेरी का आंसर जरूर मिले। और गाइस जो भी फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं उनसे मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब जरूर करते रहें, और आप अपना क्वेश्चन पूछते रहिए, यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिले गाइस। और गाइस एक आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो मेरा नेक्स्ट लाइव सेशन होगा वो 9 जनवरी को रात्रि के 8 बजे से फिर से होगा, मतलब मैं ऑल्टरनेट डे पे लाइव आता हूँ, तो गाइस आप कनेक्ट होना मत भूलिए, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कनेक्ट होके पूछ सकते हैं। गाइस आप मेरे वीडियोज भी देखते रहिए, तो किसी भी व्यूअर का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। देखो रमेश पवार जी, अब मैं आपको बता देता हूं, सुनिए
मुझे ये लगता है, तो फिर आपने जो दिया है ना 56-52, तो ये 56 आपका कपड़े का नहीं है, ईपीआई का नहीं है, ये उतरने के बाद में नहीं है, ये ऑन लूम है, ये बड़ी सिंपल सी बात है, ये उतरने का नहीं है। ये अगर उतरने का होगा तब तो फिर आपका जो हमने बताया है कि कितना बताया, 2600 समथिंग बताया, उतना ही आएगा। तो ये आपका जो 56 है ये रीड काउंट है, यहाँ पे ये पिक नहीं है, 56 रीड काउंट होगा तभी आप 49 से गुणा करेंगे, जो कैंप होता है वो लेंगे यहाँ पे। ओ हर्षजन जी नमस्कार, कैसे हैं हर्षजन जी? गाइस आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, सेंड कर दीजिए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर मिले। गाइस आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं इस लाइव सेशन में। गाइस आस्क योर क्वेश्चन इफ यू हैव, और फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। हर्षजैन जी ठीक है, हर्षजैन जी बस थोड़ा सा रुकिए, कई लोगों की इंक्वायरी आ चुकी है ये कि जो क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कई लोगों ने मेरे से पूछा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं तैयार करूं ये जो क्वेश्चन होते हैं। तो मुझे पता लगा है किसी ने मेरे को भेजा था, अनसॉल्व्ड पेपर भेजा था, तो मुझे पता लग गया किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं उस हिसाब से मैं आपके लिए प्रिपेयर करता हूं। हर्ष शुक्ला जी पूछ रहे हैं कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है या ह्यूमिडिटी होती है उसका जो रोल होता है टेक्सटाइल मटेरियल में वो क्या होता है। तो हर्ष शुक्ला जी क्या होता है कि जो हमारा मटेरियल होता है, कोई भी कॉटन का मटेरियल मान लो या और कोई भी मटेरियल मान लो, पॉलिस्टर का भी हो किसी का भी हो, तो क्या होता है कि यदि आपकी मटेरियल के सराउंडिंग जो ह्यूमिडिटी होती है तो उससे मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है, और या आपका ह्यूमिडिटी बहुत कम होगी तो आपका जो मटेरियल होता है उससे जो मॉइस्चर होता है वो एवोपरेट हो जाता है। और सपोज करिए कॉटन है, तो कॉटन का जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो होता है आपका 8%, तो 8% होता है तो 8% पर ही आपका कॉटन बेचा जाता है। तो यदि आपका ह्यूमिडिटी कहीं पर ज्यादा है तो आपके कॉटन का वेट बढ़ जाएगा और आपको घाटा हो सकता है वहां पर, क्योंकि आपने पानी खरीद लिया उसके साथ में। ऐसे ही अब कोई किसान बेच रहा है, कहीं पे गर्मी ज्यादा है तो उसका जो मॉइस्चर है तो वो उसका उड़ गया तो उसको घाटा हो जाएगा। और इसके अलावा और जो रोल होता है, और एक रोल ये होता है कि जो हमारा कॉटन वगैरह होता है तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि कहीं पर जब जो एटमोस्फियर में जब मॉइस्चर ज्यादा होता है तो वहां पर कॉटन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। वो क्यों बढ़ती है कि जैसे ही आपको पानी के संपर्क में आता है वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो कॉटन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इसलिए जब हम वीविंग करते हैं, स्पिनिंग करते हैं, तो वहां पे ह्यूमिडिटी मेंटेन करने की आवश्यकता हमेशा रहती है। हर्ष जैन जी कह रहे हैं कि आप ग्रुप में भेजोगे या वीडियो बनाकर चलाओगे। हर्ष जैन जी मैं कोशिश करूंगा कि जो मैं बनाऊंगा तो उसको मैं ग्रुप में सेंड करूंगा, जितने लोगों ने मेरे से पूछा है उनको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। और रमेश पवार जी पूछ रहे हैं सर व्हाट इज द क्रिम परसेंटेज ऑफ बार्क एंड वेफ इन कॉटन फैब्रिक। देखो रमेश पवार जी ये सब डिपेंड, बहुत सारी चीजें हैं जिन पर ये डिपेंड करता है। चित्रंजन जी नमस्कार, क्या हाल है? तो रमेश पवार जी मैं आपको बताता हूं जो आपका क्रिम परसेंट होता है, मैं आपको सिंपल चीज बता देता हूं। आप कपड़ा बना रहे हो सपोज करिए शटरलेस लूम पे तो वहां पे क्रिम कम होता है, आप कपड़ा बना रहे हो पावर लूम पे तो वहां पे क्रिम ज्यादा होता है, और यदि आप कपड़ा बना रहे हो हैंड लूम पे तो और ज्यादा क्रिम होता है वेफ्ट का। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी पे कपड़ा बना रहे हो। तो ये तो हो गया वेफ्ट का जो क्रिम होता है वो आपका पावर लूम में और शटल और जो हैंडलूम में ज्यादा होता है, शटललेस में कम होता है। और बार्ब का भी जो क्रिम्प होता है
वो डिपेंड करता है आपका लूम के ऊपर। आपका सबसे कम सबसे ज्यादा क्रिम्प होगा बार बार क्रिम्प हैंडलूम पर, इसके बाद में उससे कम पावर लूम, उससे कम शटरलेस लूम। अब उसमें भी आप दूसरा फैक्टर अगर देखें तो जितना आपका बेल्ट का क्रिम्प, जो बेल्ट का काउंट जितना कोर्स होगा उतना ही आपका वर्क का क्रिम्प होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि जितना बेल्ट का धागा ज्यादा मोटा होगा उतना ही क्रिम्प ज्यादा होता है। तो गाइस आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिए और सेंड करते रहिए अपने क्वेश्चन को, तो मैं बताता रहूंगा। और गाइस वीडियोज भी देखते रहिए, और जो फर्स्ट टाइम व्यूअर कनेक्ट हो रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करते रहिए, और अपने दोस्तों में भी रेफर कीजिए गाय चैनल को, कि अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करिए कि ये वाला चैनल, ये जो टेक्सटाइल के स्टूडेंट वगैरह हैं तो इनके काम आता है। तो आप अपने दोस्तों में जरूर सजेस्ट करें कि वो चैनल को देखें। तो गाइस आपका जो भी क्वेश्चन है तो मैं पूरी कोशिश करता हूं ईमानदारी से कि आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर मिले, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा है, जब मैं पढ़ता था तो वहां पे पता लगता था कोई चीज समझ में आ रही कोई चीज नहीं आ रही है, बट जब प्रैक्टिकली काम किया तो बहुत सारी चीजें समझ में आई। हर्ष जैन जी मैं जल्दी करूंगा, 3-4 दिन के अंदर आपकी जो क्वेरी है इसको मैं करता हूं। चित्रंजन पांडा जी टेक्निकल सवाल पूछ रहे हैं कि सर जो ग्रे में पिक होता है कि फिनिश के बाद में बढ़ता है कि घटता है। तो चित्रंजन पांडा जी मैं आपको बता देता हूं क्या होता है कि ये आपके कपड़े पर डिपेंड करता है। सपोज करिए आपका साटिन का कपड़ा है तो साटन के कपड़े में जो आपकी फ्लोट लेंथ होती है ज्यादा होती है और आपके प्लेन बीम में कम होती है, तो जब आपका कपड़ा साटन का डाई होता है तो फ्लोट लेंथ ज्यादा होने की वजह से आपका जो यार्न होता है वो स्वेल होकर श्रिंक होता है, तो जो श्रिंक होता है तो वहां पे उसको स्पेस मिल जाता है श्रिंक होने का। तो आपका ज्यादातर देखना है कि जो साटन का कपड़ा होता है उसमें आफ्टर प्रोसेसिंग पिक बढ़ जाते हैं, और आपका जो कपड़ा होता है प्लेन बीम होता है तो उसमें श्रिंकेज इतना नहीं आता है आफ्टर प्रोसेसिंग, मतलब पिक उतने नहीं बढ़ते हैं। बट यहां पर भी एक चीज है, ये जो आपका श्रिंकेज का प्रोसेस होता है लेंथ का, मतलब पिक बढ़ने का वो घटने का प्रोसेस होता है, वो आपके जो ड्राइंग मेथड है उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे कि आप सपोज करिए हॉट एयर स्टैंडर पर कपड़ा सुखा रहे हैं, वहां पर ओवर फिट दे रहे हैं, मतलब आप अपने कपड़े को ढीला चला रहे हैं, तो उसमें पिक बढ़ने की संभावना रहेगी वहां पर। और यदि आप उसी कपड़े को ड्राइंग रेंज पर सुखाएंगे तो ड्राइंग रेंज पर सुखाने पर आपके जो पिक हैं वो बढ़ेंगे नहीं। तो ये सब चीजें होती हैं, तो इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है चित्रंजन जी कि कैसे आप चेक करेंगे कि हमारे कपड़े में पिक बढ़े कि घटे, तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं सब चीज कि कितने बढ़ेंगे कितने घटेंगे, वो सब चीज हमने वहां पर दी हुई है। आप टेक्सटाइल कैलकुलेशन की वीडियो देखिए तो उसमें आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। चित्रंजन जी पूछ रहे हैं कि फिलामेंट यार्न क्या होता है। तो चित्रंजन जी फिलामेंट यार्न होते हैं कि उन यार्न्स को कहते हैं कि ऐसे यार्न जो उनकी जो लेंथ होती है वो मतलब कई मीटर्स में होती है, मतलब लॉन्ग होते हैं कंटिन्यूअस फिलामेंट होते हैं, उनसे बना हुआ जो यार्न होते हैं उसको हम फिलामेंट यार्न बोलते हैं। जैसे कि आपका पॉलिएस्टर का फिलामेंट यार्न होता है तो किससे बना होता है, फिलामेंट से बना होता है। फिलामेंट एक, अब जो यार्न होता है फिलामेंट यार्न एक फिलामेंट का भी हो सकता है और आपका 100 फिलामेंट का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि मोनो फिलामेंट यार्न है कि मल्टी फिलामेंट यार्न है। गाइस आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछना मत भूलिए। और चित्रंजन जी आप मेरा एक वीडियो देख लीजिए, मैं आपको एक सजेशन देता हूं, एक वीडियो है मेरा, वो है टाइप ऑफ यार्न और क्लासिफिकेशन ऑफ यार्न। चित्रंजन जी जो आपकी क्वायरी है उस वीडियो में अच्छी तरीके से क्लियर होगी।
एक वीडियो है मेरा टाइप ऑफ यार्न और क्लासिफिकेशन ऑफ यार्न का, वो आपको टेक्सटाइल कैलकुलेशन में मिलेगा शायद, या आपको यार्न में मिल जाएगा, तो आप उसको देख लीजिए, आपकी जो क्वेरी है फिलामेंट यार्न के बारे में वो क्लियर हो जाएगी। गाइस जो भी व्यूअर फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं तो उनसे मैं बीच बीच में याद दिलाता रहता हूं उनको कि आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे मेरे लाइव आने के भी, और मैं कब वीडियो अपलोड करता हूं उसका भी। चित्रंजन जी डबल क्लॉथ के बारे में पूछ रहे हैं। चित्रंजन जी डबल क्लॉथ के बारे में यदि आप पूछ रहे हैं तो देखो डबल क्लॉथ क्या होता है कि डबल क्लॉथ के अंदर बार्ब की भी दो सीरीज प्रयोग की जाती है और वेब की भी दो सीरीज प्रयोग की जाती है, उनमें दो लेयर बनते हैं और वो आपस में जुड़े होते हैं, अलग नहीं हो सकते हैं पहली बात। और दूसरी बात यह है कि यदि हम जो फेस के बार्ब और फेस के वेब में एक कलर प्रयोग करते हैं और दूसरी साइड में जो बैक का होता है उसमें एक कलर प्रयोग करते हैं, तो आपका कपड़ा है जो आप जब आप उसको देखोगे तो एक साइड पर दूसरा कलर दिखेगा, एक साइड पर दूसरा कलर दिखेगा। तो ये डबल क्लॉथ होता है, इसमें बार्ब की भी दो सीरीज होती हैं और वेब की भी दो सीरीज होती हैं। तो शिवम मौर्या जी नमस्कार। गाइस आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछते जरूर रहिए, तो हेजिटेट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको पूछ सकते हैं गाइस, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मैं कोशिश करता हूं कि आपकी क्वेरी का आंसर जरूर मिले। रमेश पवार जी कह रहे हैं थान लेंथ से तैयार कपड़ा कितना कम बनता है, मतलब आप मशीन की बात कर रहे हैं जो जो आपकी मशीन रीडिंग दे। रमेश पवार जी जब आप जो आपकी जो मशीन बनती है जो मशीन में जो रीडिंग आती है और जो थान की लेंथ नापने पर निकलती है उनमें अंतर पूछ रहे हैं क्या? रमेश जी जो आपका जो लूम होता है उसमें रीडिंग वगैरह आते हैं वो लेंथ और जो थान बनता है, ठीक है आपने क्लियर कर दिया। तो रमेश पवार जी मैं आपको बता देता हूं कि जो थान की लेंथ होती है और जो मशीन रीडिंग देता है उसमें फर्क आता है, जहां तक मैंने देखा है ना प्रैक्टिकली देखा है मैंने, 2-3% घट जाता है, वो कपड़े के ऊपर होता है, आपके कपड़े में ज्यादा पिक होते हैं तो आपका कपड़ा श्रिंक ज्यादा करता है और जो उसमें पिक कम होते हैं वो श्रिंक कम करता है, बट उसमें थान लेंथ या उसको पीस लेंथ भी बोल दो और जो आपका ऑन लूम जो लेंथ होती है जो रीडिंग आती है उसमें 2-3% तक का फर्क आता है। आपकी थान लेंथ कम होती है जो लूम पर जो रीडिंग बता रही होती है उससे 2-3% तक। गाइस आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, सेंड कर दीजिए, तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपका जो भी क्वेश्चन हो आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उसका आंसर जरूर मिले। तो गाइस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि आप वीडियोस को देखते रहिए, तो जो वीडियोस मैं बनाता हूं तो उनमें आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिलेंगी। हमारे कोई व्यूअर प्रिया सिंह जी हैं, तो प्रिया सिंह जी ने एस लिखा है, एस का मतलब शायद क्या लिखना चाह रही थी, बट जो भी है प्रिया जी आप शायद फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रही हैं इस लाइव सेशन में, तो प्रिया जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछिए मेरे से, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी क्वेरी है टेक्सटाइल से रिलेटेड वो क्लियर हो। प्रिया जी आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। गाइस आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो बिना किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपकी क्वेरी का आंसर जरूर मिले। और गाइस मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं इन्फॉर्मेशन कि मैं 9 जनवरी रात्रि 8 बजे फिर लाइव सेशन में प्रेजेंट होऊंगा, तो गाइस
ध्यान जरूर रखिए, कनेक्ट होना मत भूलिए। और गाइस आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछते रहिए, लगता है आप सारे व्यूवर्स के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं लगता है। गाइस आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिना किसी शर्म के बिना किसी झिझक के पूछिए, क्योंकि मैं लाइव आता ही हूँ इसलिए हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, जो फ्रेशर होते हैं या जो उनको एक्सपीरियंस कम होता है, एक साल का एक्सपीरियंस है, दो साल का एक्सपीरियंस है, उनको जो जानकारी वगैरह नहीं होती है, तो मैं उनकी क्वायरी को क्लियर करता हूँ यहाँ पे। तो गाइस आप सवाल पूछिए यदि है कोई, तो मैं बताऊंगा आपको, आपकी क्वायरी का आंसर करूंगा। और यहाँ पे हेजिटेशन की कोई जरूरत नहीं होती है, ना ही कोई क्वेश्चन छोटा होता है मेरी नजर में, ना बड़ा होता है। आपका क्वेश्चन प्रिया सिंह जी पूछ रही हैं, सर ड्रा फ्रेम में रोलर स्लिपेज के बारे में बता दीजिए। तो प्रिया सिंह जी क्या होता है, ड्रा फ्रेम में जो ड्राफ्टिंग सिस्टम होता है तो उसमें ज्यादातर क्या होता है कि ज्यादातर क्या होता है प्रिया सिंह जी के आपका जो ड्रा फ्रेम होता है उसमें रोलर लगे होते हैं, तो टॉप रोलर बॉटम रोलर ऐसे ही करके पेयर होते हैं, कहीं कहीं पर तीन पेयर होते हैं, चार पेयर भी होते हैं। तो उसमें हम जब फीडिंग करते हैं तो पीछे से जो बैक रोलर होता है तो उससे हम फीडिंग करते हैं, तो आपका फिर आगे जाता है, तो जब आगे जाता है तो जो मिडिल रोलर होता है, फिर होता है आपका फ्रंट रोलर, इसी तरीके से होता है उसमें। तो जब आपका चलता है, सपोज करिए आपका जो ड्राफ्टिंग रोलर है, मान लीजिए फ्रंट ड्राफ्टिंग रोलर है, वो चल रहा है तो आपके स्लाइवर की लंबाई बढ़ा रहा है। हाँ मैं बता रहा हूं प्रिया सिंह जी, वही उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। तो जब आपका जो ड्राफ्टिंग रोलर चलता है तो बीच में स्लाइवर पास हो रहा है, तो जब स्लाइवर पास होता है तो सही तरीके से वो आगे को खींचता है, बट ऐसा कोई सा भी सिस्टम नहीं होता है कि जो सरफेस कॉन्टेक्ट की सहायता से जितना वो रोलर चले उतना ही आपका स्लाइवर आगे बढ़े, ऐसा कोई सा भी सिस्टम नहीं होता है। तो वो स्लिपेज जो फाइबर और जो ड्राफ्टिंग रोलर होता है उसके बीच में जो आता है उसको हम बोलते हैं फाइबर स्लिपेज या रोलर स्लिपेज। तो इसका मैं एक प्रिया सिंह जी आपको मैं सही तरीके से बताऊं तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा टॉपिक बड़ा हो जाएगा, तो मैं ड्रा फ्रेम का एक वीडियो डाल देता हूं, क्योंकि मैंने अभी ड्रा फ्रेम का वीडियो बनाया नहीं है, तो उसमें मैं कवर कर लूंगा आपका क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन हो तो आप बता दीजिए, मैं कवर कर लूंगा आपका क्वेश्चन। मैं दो तीन दिन के अंदर वीडियो डाल देता हूँ, ड्रा फ्रेम का वीडियो डालूंगा मैं, तो आपका क्वेश्चन उसमें कवर कर लूंगा, सारे क्वेश्चन कवर कर लूंगा जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे, तो मैं बहुत डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो आप बस थोड़ा सा राघवेंद्र लखेरे पूछ रहे हैं, सर बीविंग में स्टॉक सेटिंग में गियर बॉक्स क्यों टच करते हैं? अच्छा जी राघवेंद्र जी, अब स्टॉक सेटिंग तो उसमें होती है ज्यादातर क्या जो स्टॉक सेटिंग होती है वो स्टॉक नहीं होती है, स्ट्रोक होती है, STROKE, और वो होती है आपकी रैपियर लूम में। तो रैपियर लूम में क्या होता है कि तो राघवेंद्र जी क्या होता है कि जो आपकी रैपियर लूम होती है उसमें जब कपड़े की चौड़ाई घटती बढ़ती है तो वहां पे हमें स्ट्रोक की सेटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जो आपके रैपियर गाइड वगैरह होते हैं, बॉक्स वगैरह होते हैं, वो क्लोज टू रीड रखे जाते हैं जिससे आपके यान का वेस्ट ना हो। तो यही कारण होता है कि स्ट्रोक सेटिंग करनी पड़ती है, तो स्ट्रोक सेटिंग करने के लिए हमें गियर बॉक्स वगैरह में कुछ जुगाड़ होता है तो उसको खोलना पड़ता है। तो प्रिया सिंह जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपका इस क्वेश्चन को कवर करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो आप देखते रहिए। और चित्रंजन जी पूछ रहे हैं, सर मैं ओपन एंड यार्न क्या होते हैं? तो चित्रंजन जी ओपन एंड यार्न का मतलब मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है कि जो आपका धागा होता है ना, तो जो प्रोसेस होती है तो कार्डिंग तक तो सेम होती है, ब्लोरूम होगा, कार्डिंग होगा, कार्डिंग के बाद में चेंज हो जाता है।
आप क्या करना चाहते हैं, आप ओपोनेंट के थ्रू बनाना चाहते हैं या आप रिंग फ्रेम के थ्रू बनाना चाहते हैं। तो अगर आप ओपोनेंट के थ्रू बनाना चाहते हैं तो आप कार्डिंग के बाद सीधा स्लाइवर को ओपोनेंट मशीन पर ले जाके यार्न बना सकते हैं या ड्रॉ फ्रेम के बाद में यार्न बना सकते हैं। तो उसमें दो तीन प्रोसेस होते हैं, वो बाईपास हो जाते हैं, जैसे कि आपकी कॉम्बिंग प्रोसेस है, आपकी जो सिंप्लेक्स की प्रोसेस है वो बाईपास हो जाती है। तो ओपोनेंट का जो यार्न होता है तो ज्यादातर क्या होता है कि उसमें जो फाइबर का जो पैरेललाइजेशन होता है, मतलब फाइबर पैरेलल नहीं हो पाते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। ओपोनेंट यार्न की स्ट्रेंथ कम होती है और ज्यादातर ओपोनेंट के जो धागे होते हैं वो सस्ते होते हैं क्योंकि उनमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। और एक कारण और होता है सस्ता होने का कि लोग सस्ते की डिमांड करते हैं, तो वहां पर जो मिक्सिंग होती है तो उसमें हमेशा सस्ती मिक्सिंग यूज करते हैं, कोई भी महंगी मिक्सिंग यूज नहीं करता ओपोनेंट के यार्न में, क्योंकि स्ट्रेंथ होती नहीं है। स्ट्रेंथ होगी तो वो फिर महंगा हो जाता है, फिर उस आदमी रिंग फ्रेम यूज कर लेता है। तो उसमें जो वेस्ट वगैरह होता है वो डालते हैं, जो कॉम्बर वेस्ट वगैरह होता है, नॉइस परसेंटेज वो बढ़ाते हैं उसमें, तो ये फर्क होता है। गैस, और यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिए, और यदि आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए गैस, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो भी क्वेश्चन है तो आपका आंसर जरूर दूं गाइस। और आप मेरे वीडियोज भी देखते रहिए, यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। राघवेंद्र जी पूछ रहे हैं, चित्रंजन जी गुड नाइट, और राघवेंद्र जी पूछ रहे हैं कि सर पाइल मिसिंग क्या होती है। राघवेंद्र जी पाइल मिशिंग का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। देखो, ये जो पाइल मिशिंग होती है, या तो ये टेरिटोबल में होती है, ये आपका जो बार पाइल बेलवेट होता है उसमें होती है। तो कहीं पर भी जैसे कि आपका कपड़ा बन रहा है बार का, ठीक है ना, तो वहां पे जो आपका बार का धागा है, पाइल बार का धागा है, वो टूट जाता है। जब उसका जब धागा टूट जाएगा तो वहां पर क्या होगा कि बार का धागा नहीं होगा पाइल बार का, तो वहां पर पाइल नहीं बनती है। ऐसे ही आपका जो वेलवेट होता है वहां पे यदि आपका पाइल का जो धागा होता है, पाइल वार का धागा टूट जाता है, तो वहां पे पाइल बनना बंद हो जाता है। तो और रीजन ये भी होते हैं कि जो आपका जो आपकी डिजाइन चल रही है वहां पे आपने पिक फाइंडिंग सही से नहीं की, तो उसका जो पिक का सिक्वेंस होता है वो आउट हो जाता है, तब भी आपकी पाइल मिसिंग हो सकती है। तो गैस, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछना मत भूलिए, और हेजिटेट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, आप पूछ सकते हैं। रमेश पवार जी, ये आप पूछ रहे हैं कॉटन और कॉटन फैब्रिक के करंट रेट कहां से मिलते हैं। रमेश पवार जी, ऐसा कहीं पर मैंने देखा नहीं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म देखा नहीं है कि जहां पर रोज अपडेट होते हो, तो ये तो मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि फैब्रिक के तो नहीं मिलते, देखे कॉटन के हो सकता मिलते हो कहीं पर, शायद वो CCI वगैरह कुछ संस्था है वो अपडेट करती है, बट जो आपका फैब्रिक है इसके प्राइस तो नहीं अपडेट होते हैं कहीं पर भी। तो गाइस, लगता है अब किसी भी व्यूअर का कोई क्वेश्चन रहा नहीं है, तो गाइस मैं आपको फिर एक बार याद दिला देता हूं कि आप 9 तारीख के लाइव सेशन में रात्रि 8 बजे कनेक्ट होना मत भूलिए गाइस। और लगता है अब इसको शो को यहीं पर बाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि अब किसी व्यूअर का कोई क्वेश्चन बचा नहीं है शायद। गैस, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, और यदि नहीं है तो फिर मैं इस शो को यहीं पर वाइंड अप करूंगा। गैस, मैं आप सभी लोगों से बार बार बीच में रिक्वेस्ट करता रहता हूं कि आप सभी लोग मेरे वीडियोस को देखिए, तो उससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, बहुत सारी प्रैक्टिकल जानकारी मिलेगी, थ्योरेटिकल जानकारी भी मिलेगी। तो गैस, आप मेरे वीडियोज को जरूर देखते रहिए, और फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। अब तो राघवेंद्र जी, मेरी
तो गाइस आपका कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके क्वारी का आंसर जरूर मिले। आप स्टूडेंट हो सकते हैं टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के, आप फ्रेशर भी हो सकते हैं, आप लर्नर हो सकते हैं, बिगनर हो सकते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपकी क्वारी का आपको आंसर जरूर मिले। और गाइस होता क्या है कि जब आप कहीं पर भी पढ़ने जाते हैं डिप्लोमा या बीटेक वगैरह में, तो वहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे कहीं कहीं पर तो भाषा की प्रॉब्लम आती है, और कहीं कहीं पर आपका सिलेबस का बोझ इतना होता है वहां पर कि आपको सही तरीके से सीखने को नहीं मिल पाता है। प्रोफेसर जल्दी जल्दी जो सिलेबस होता है वो खत्म करते हैं। तो आप सभी लोग यदि हमारे लाइव शो में कनेक्ट होते रहेंगे तो मैं आपके क्वेरीज को क्लियर करता रहूंगा, और मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोज लेके आता रहता हूँ, बहुत सारे वीडियोज डालता रहता हूँ, और वो फाइबर के बारे में होते हैं, वो फैब्रिक वीव के बारे में होते हैं, वो आपके फैब्रिक टेस्टिंग के बारे में होते हैं, वीविंग कैलकुलेशन, स्पिनिंग कैलकुलेशन, तो बहुत सारे वीडियोज हैं मेरे, आप उनको देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी, प्रैक्टिकली भी और थियोरेटिकली भी। तो गाइज आप यदि टेक्सटाइल के स्टूडेंट हैं, आप टेक्सटाइल टेक्नोलॉजिस्ट हैं, तो आप जरूर पूछिए। प्रिया सिंह पूछ रही हैं, सर वीविंग ऑफ हैवी फैब्रिक ऑन वाइड लूम कैरिड आउट विद पॉजिटिव टेकअप मोशन ऑफ टाइप ऑफ कंटिन्यूअस और इंटरमिटेंट। और प्रिया सिंह जी, जो आज के लूम आ रहे हैं ना, जो आज के लूम आ रहे हैं, वो सारे के सारे जो लूम है उनमें सब में कंटिन्यूअस टेकअप मोशन है। जितने भी लूम आ रहे हैं उनमें कंटिन्यूअस टेकअप मोशन होता है, आपका जो टेकअप रोलर होता है रेगुलर घूमता रहता है। तो आज की डेट में तो जितने भी लूम है सारे के सारे कंटिन्यूअस टेकअप मोशन होते हैं उनमें, और जो इंटरमिटेंट टेकअप मोशन होते थे वो आपके पावर लूम में होते थे, जैसे शटरलेस लूम में, सॉरी शटर लूम में, जैसे कि आपका फाइव व्हील टेकअप मोशन, सेवन व्हील टेकअप मोशन। बट आज की डेट में जितने भी लूम आ रहे हैं तो सारे के सारे कंटिन्यूअस टेकअप मोशन है उनके अंदर। और जो हैवी कपड़ा होता है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कपड़ा तो हैवी पावर लूम पर भी बनता था और आपका कपड़ा शटरलेस पे भी हैवी बनता है, बट अब आपका जो पावर लूम होता था उस पर भी हैवी कपड़ा बनाते थे, बट वहां पे इंटरमिटेंट टेकअप मोशन होती थी, और शटरलेस है तो वहां पर कंटिन्यूस टेकअप मोशन है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि इंटरमिटेंट हो कि ना हो। रमेश पवार जी शायद कुछ पूछ रहे हैं कि कॉटन फैब्रिक व्हाट इज आरपीएम ऑफ पावर लूम। रमेश पवार जी, आरपीएम के बारे में कैसे बताऊं, आज के डेट में कितने पे चला रहे हो आप जो पावर लूम वगैरह है, एक तो उनकी चौड़ाई के ऊपर भी डिपेंड होता है कि जितनी ज्यादा चौड़ाई होती है उतनी उसके आरपीएम घटते जाते हैं, इसके बाद में उसमें नंबर ऑफ जितने फ्रेम्स बढ़ते जाते हैं तब भी आरपीएम घटते जाते हैं, तो वो सब चीजें होती हैं, उसी के ऊपर डिपेंड होता है। और विभोर झा पूछ रहे हैं कुछ, साइज पिकअप सावबॉक्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं। विभोर जी मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप एक काम करिए विभोर जी, एक मेरा वीडियो है साइजिंग कैलकुलेशन का, एक वीडियो है विभोर जी, उसके अंदर मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि साइज पिकअप कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप मेरा वो वीडियो देख लीजिए साइज पिकअप का, आपका जो क्वेरी है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बताना मुश्किल हो जाएगा, वो डिटेल में नहीं बता पाएंगे, तो आप मेरा वीडियो देख लीजिए तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। गाइस आपका कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिए, तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिले, और आपका जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए और सेंड कर दीजिए, तो मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करूंगा गाइस।
और यदि फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइस मेरे वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आपको जो जानकारी मिलेगी, ज्यादातर जानकारी आपको मेरे वीडियो देखने से ही मिलेगी, क्योंकि उन वीडियोज में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, एक एक पॉइंट बाई पॉइंट मैंने बताया हुआ है हर चीज। तो आप वीडियोज देखेंगे तब जरूर आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी। विभोर जी, गिल बॉक्स का पीक कैलकुलेशन इन वर्स्टेड स्पिनिंग। ओहो, अच्छा विभोर जी, तो अगर ये जानना चाहते हैं तो विभोर जी इसका थोड़ा सा मुझे चेक करना पड़ेगा। विभोर जी इसको मुझे चेक करना पड़ेगा आपका जो क्वेश्चन है, क्योंकि अभी ये जो टॉपिक है मैंने टच नहीं किया है, तो मैं थोड़ा सा टॉपिक टच करूंगा और मैं आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में बताऊंगा आपको इस क्वेश्चन का आंसर। राघविंदर जी पूछ रहे हैं आरपीएम और टेंशन का क्या रिलेशन होता है। राघविंदर जी, आरपीएम का और जो लूम का आरपीएम और जो बार्ब टेंशन होता है उसका सीधा सीधा कोई रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि जो आपको टेंशन रिक्वायर्ड टेंशन होता है वो तो आपको हमेशा सेलेक्ट करना ही पड़ता है। वो आरपीएम का रिलेशन होता है आपका आपके यान का जो क्वालिटी होता है उससे होता है, आपकी जो साइजिंग की क्वालिटी होती है उससे होता है, आपका बीम से होता है, और आपका जो टेक्नोलॉजी है आपकी कौन सी मशीन है उससे होता है, आपका जो बार टेंशन होता है उससे कोई रिलेशन नहीं होता दूर दूर तक। गाइस कोई यदि क्वेरी बची हो तो पूछ लीजिए, और हमारे 9 तारीख के लाइव शो में कनेक्ट होना मत भूलिए। तो मैं 9 तारीख को फिर से लाइव सेशन में रात्रि 8 बजे आऊंगा, तो गाइस भूलना मत। और गाइस कोई भी क्वेरी हो तो आप अपने मन में मत रखें, पूछें जरूर, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरी का आंसर जरूर मिले। तो गाइस आप जरूर पूछते रहिए, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपकी क्वेरी को आंसर जरूर करूंगा। तो गाइज आस्क योर क्वेश्चन इफ यू स्टिल हैव। विभोर जी आप कुछ पूछा, ऑटो कॉर्नर में टेंशन फीड करने के लिए पैरामीटर इन्वॉल्व होते हैं। विभोर जी आप ऑटो कॉर्नर के बारे में पूछ रहे हैं, मैं विभोर जी एक चीज आपको बता दूं कि मैंने अभी ये जो ऑटो कॉर्नर है ना, तो इसको मैंने टच नहीं किया है, तो मैं इसको जब टच करूंगा तो मैं इसके ऊपर फिर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने टच किया नहीं है तो इतनी जल्दी नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं इसको यहाँ पे, बट जरूर मैं जो आपने पूछा है मैं इसको टच जरूर करूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा। राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि बीम डायमीटर हम जस्ट हाफ डालते हैं ना, नहीं राघवेंद्र जी आप कौन सी मशीन है आपके पास में, पहले ये बताइए आप, अलग अलग मशीन पर अलग अलग तरीके से डाला जाता है। प्रिया सिंह जी डायमंड बार्स के बारे में पूछ रहे हैं, प्रिया सिंह जी शायद ये जो डायमंड प्रिया सिंह जी शायद आप जो पूछ रही हैं, आप पूछ रही हैं कि बीम डायमीटर, सॉरी आप पूछ रही हैं डायमंड बार्स के बारे में पूछ रही हैं, तो जो डायमंड बार्स है ये जो पूछ रही हैं शायद ये स्टार्टिंग मार्क पूछ रहे हैं आप, जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि डायमंड बार के नाम से बुक में कहीं लिखा नहीं होता है, और हो सकता है आपकी बुक में कहीं लिखा हो, बट ये जो डायमंड बार्स बोलना है आपको ना, तो शायद आप स्टार्टिंग मार्क तो नहीं पूछ रही हैं। या डेंट मार्क वगैरह पूछ रही हैं,
क्योंकि डायमंड वर्ष के नाम से तो मैंने नहीं सुना कहीं पर ये। आप इसको और कुछ बोलती होंगी, हो सकता है मैं और कुछ बोलता हूं इसको। और राघवेंद्र जी इटमा 9500 है आपके पास में, तो राघवेंद्र जी इसके अंदर जो लेट ऑफ के पैरामीटर डाले जाते हैं उसमें तो काउंट भी डाली जाती है, उसमें नंबर ऑफ एंड्स भी डाले जाते हैं, और उसके बाद में उसके बावजूद में भी फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो जो डाया एक्वस होता है तो उसको एस कर देते हैं, तो जब डाया कर देंगे तो उसके बाद में 15-16 सेकंड बाद में अपने आप ही वो डायमीटर पकड़ लेती है। उसमें डाया इटमा आर 9500 में डाया डाला ही नहीं जाता है। प्रिया सिंह जी डायमंड बार का और दूसरा नाम भी होता है क्या कोई? आप स्टार्टिंग के मार राघवेंद्र जी मेरे पास में इटमा आर 9500 की मशीन लगी हुई है, और अराउंड 2015 मॉडल की मशीनें थी, तो वहां पर कोई डाया नहीं डाला जाता, उसमें जो काउंट भरा जाता है वर्क का, नंबर ऑफ एंड्स भरे जाते हैं और बीम की चौड़ाई वगैरह भी भरी जाती है, और इसके बाद में यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो एक फंक्शन आता है डाया एक्वस का, तो उसको करते हैं, वहां पर तो नहीं डाला जाता है। हाँ, आपका यदि पीकनोल का मशीन है, डोर्नियर का मशीन है, तो उनमें डाले जाते हैं। गाइज कोई भी क्वारी हो तो पूछ लीजिए, और फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट लाइव सेशन रात्रि के 9 बजे होगा, रात्रि के 8 बजे 9 तारीख को, तो आप कनेक्ट होना बिल्कुल मत भूलिए। राघवेंद्र जी कौन सा मॉडल है आपका, कौन से ईयर का है? आपका मशीन कौन से ईयर का है? यार मेरे पास में भी 2015 मॉडल का मशीन है, उसमें डाया नहीं डाला जाता है, और वहां पे जो डायामीटर उसमें लिख के आता है डाया एक्वस, उसका मतलब ये होता है कि जब उसको दबा देंगे तो 14-15 सेकंड तक मशीन चलती है तो ऑटोमेटिकली वो डाया पकड़ लेती है, वो अपने आप रीड करती है डाया। या फिर आपका जो मॉडल हो सकता है एडवांस हो तो नहीं कह सकते हैं, बट मेरे पास में मॉडल था तो उसमें ऐसा नहीं था। गाइस आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, और आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन भी दबाएं गाइस। तो गाइस अब इस शो को बाइंड अप करने का टाइम आ गया है, यदि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लीजिए, और अगर प्रिया सिंह जी अभी कनेक्टेड है तो मैंने उनसे पूछा था कि डायमंड बार का कोई दूसरा नाम होता है क्या, तो प्रिया सिंह जी ने शायद बताया नहीं, मुझे लगता है वो पूछ रही थी स्टार्टिंग मार्क के बारे में। तो गाइस अब मैं इस सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूं, आप सब लोग इस लाइव सेशन में जुड़े उसके लिए धन्यवाद, और गाइस रात्रि के 8 बजे 9 तारीख को आप जुड़ना मत भूलिए। राघवेंद्र जी पूछा सर जैकार्ड में रिपीट कैसे निकालते हैं?
राघवेंद्र जी जैकार्ड में रिबिट कैसे निकालते हैं, क्या मतलब है? आप लूम पर तो क्या होता है कि आपको डिजाइन बना बनाया मिलता है, और डिजाइन बना बनाया मिलता है आपको तो सिर्फ अपलोड करना पड़ता है जैकार्ड के ऊपर। राघवेंद्र जी मैंने जैकार्ड पर बहुत ज्यादा काम नहीं किया है, और जब काम किया था तो वो भूल गया हूँ, वो पूरे सारे फंक्शन होते हैं उनको चेक करना पड़ेगा एक एक करके, तभी रिपीट मिलती है उसकी, आपको देखना पड़ेगा ना, आप देखिए उसको एक एक फंक्शन देखिए उसका। तो गाइस अब इस सेशन को यहीं पर वाइंड अप करता हूं, तो आप सभी लोग इस लाइव सेशन में जुड़े इसके लिए धन्यवाद, और गाइस रात्रि के 8 बजे 9 जनवरी को देखना मत भूलिए, और मैं आप सभी लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे वीडियोज भी देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो मैं आपको फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, सब बखैर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।